कैसा लग रहा है ये होटल? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मगर आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? ये होटल मैं आज खरीद रहा हूँ। क्या? हाँ। आपको पता नहीं आज का दिन किसी भी लेन देन के लिए अशुभ है, आज मत खरीदिए कल खरीद लेना। अरे छोड़ो, मैं शुभ अशुभ को नहीं मानता। ये होटल वो मुझे आधी कीमत में दे रहा है, मैं नहीं खरीदूंगा। किसी और ने खरीद लिया तो मैं सारी जिंदगी सीना पीटता रह जाऊंगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये सब आ गए? वो तो बड़ी बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं सर। तुम एक काम करो, इनके साथ जाके होटल का मुआयना करो, मैं भी आता हूँ। कहाँ है वो? अपने ऑफिस में। अरे ये सिंगानिया सेठ अभी तक आया क्यों नहीं? ओहो सेठ जी, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? सिंगानिया सब आते ही होंगे, आप बैठिए ना। अरे बैठने की बात छोड़ो, नहीं मेरी कुंडली के हिसाब से आज का दिन मेरे लिए बहुत शुभ है। मैं जितना जल्दी हो सके ये होटल का मुसीबत सिंगानिया के गले में डाल देना चाहता हूँ। फिर सिंगानिया जाने और वो ढाबे वाला छोकरा जाने। अरे उस ढाबे वाले छोकरे ने तो मेरी नाक में दम करके रखा है, उसकी वजह से मेरा ब्लड प्रेशर प्रेशर कुकर की माफे कितना ऊपर चढ़ जाता है कि चारों तरफ से सीटियां बजने लगती है। गुड मॉर्निंग। अरे आओ आओ सिंगानिया सेठ, आओ आओ। वाह 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 वाह, शद्दाद ने जमीन में जन्नत बनाई थी, किसी ने क्या खूबसूरत ही होटल बनाया है। अरे बाबा किसी ने नहीं, हमने बनाया ये होटल, पीके दीवानी ने। दीवानी? हाँ। दीवानी तो औरत का नाम होता है, मर्द तो दीवाना होता है। तुम औरत हो या मर्द हो? वो क्या है, तुम जो बोलता है वो हम नहीं है, जो दिख रहा है वो है। दीवानी तो हमारी खाली सड़ने में है नी। आओ बाबा, टाइम खोटी काय को करता है नी। मैं समझा तुम औरत हो या पैंट पहन कर बैठे हो। अरे वकील साहब जल्दी से एग्रीमेंट के पेपर्स निकालो और सिंगानिया साहब को दो, मैंने तो साइन करके रखा है, तुम भी देख लो और साइन कर दो ना। ये पहले ड्राफ्ट दे रहा हूँ यार, तुम भी यार। नहीं वो पहले होना चाहिए ना, क्या काम की चीजें मेरे लिए। ये देखो साइन हो गया। मुबारक हो सिंगानिया साहब, मुबारक हो। आज से ये होटल तुम्हारा, इधर का स्टाफ तुम्हारा, मैनेजर तुम्हारा और सारा टेंशन भी तुम्हारा। टेंशन क्या? मुसीबत। मुसीबत क्या की? टेंशन बाबा छोड़ो नहीं, वो मेरा मैनेजर तुमको समझाएगा नहीं। अरे मगर मैं तो तुम्हारे मैनेजर से मिला ही नहीं हूँ यार। मिलेगा नहीं, सुनो यार। अरे अरे नहीं सुना। अरे मगर मैं उसको पहचानूंगा कैसे? अरे वो दुनिया का आठवां अजूबा है, उसको देखते ही तुम पहचान जाएगा। अरे मारी ये कोर्ट नहीं सुना, क्या करूंगा? ये रखो यार, जल्दी करो बाबा। अरे ए दीवानी मेरी बात सुन ले, दीवानी आठवां अजूबा, ये तो काफी फिरा हुआ यार, ये अंदर कहां जा रहा है? लगता है ये आठ, अरे ओ आठवें अजूबे, अरे रुक घूम। ये क्या परमानेंट है क्या? जी तुम इत्तेफाक से इस होटल के मैनेजर तो नहीं हो ना? आपने ठीक पहचाना, मगर आपन कौन? मैं इस होटल का नया मालिक हूँ सर जी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये तुम भागे क्यों चल रहे हो ऐसे? नहीं मैं भागेपुर का रहने वाला हूँ ना। तो क्या भागेपुर में सब वाले टेढ़ पैदा होते हैं क्या? नहीं नहीं, भागेपुर में भागे पुल पे, भागे पेड़ पे, भागे डाल पर बैठ के गिर गया था ना, तब से ये हालत। अच्छा अच्छा, मैं तुम्हारा ये भागापन सीधा कर सकता हूँ। जो आदमी उल्टा पैदा होता है ना, अगर उसकी लात तुम यहाँ खा लो तो भागापन टेढ़ापन सब सीधा हो जाता है। अरे सेठ जी उल्टा तो मैं भी पैदा हुआ था, एक बार अपनी कब्र पे लात मारने की कोशिश की, मुंह के बल गिर गया, तब से और ये हड्डियां जाम हो गई। इत्तेफाक से मैं भी उल्टा पैदा हुआ था, अभी मेरी लात खा के देखो तुम कैसे सीधे होते हो। अच्छा अच्छा, लात मारोगे? अरे उधर कहाँ ले जा रहे, इधर फिराओ। जरा आहिस्ता मारना, आहिस्ता मारने से निकलेगा नहीं। अपना समझ के मारना, अपना नहीं। सेठ जी मैं ठीक हो गया। मानता है कि नहीं? थैंक यू जी, मानता सेठ जी। एक मिनट है, मेरी तरफ से। ये क्या है जी? मैं रोज मालिश वाले को 5-5 रुपए देता हूँ, मैं आपको 10 रुपए दे रहा हूँ। मैं मालिश वाला हूँ क्या बे? नहीं नहीं, ये मेरी तरफ से गुड लक है। ओ, गरीब की तरफ से? जी जी। बोला नहीं किसी को? हाँ नहीं। हाँ फिर तो चल, मैंने तेरी प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दिया कि नहीं? आपने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी सर, लेकिन मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। मेरी काय की प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ही तो है सर जी, इसीलिए दीवानी आपको आधे दाम में ये होटल बेचकर भाग गया है। क्या मतलब? इधर आइए बताता हूँ, इधर आइए, ये देखिए। किधर? आपके होटल के कंपाउंड में ये ढाबा, लोग रहते यहाँ हैं, खाते वहाँ है, नहाते यहाँ है, धोते वहाँ। अरे इस ढाबे को मैं चुटकी में उखाड़ के फेंक दूंगा। जब पुराने मालिक नहीं उखाड़ सके आप उखाड़ लेंगे। क्या बोला बे? मेरा मतलब है, जाओ उस ढाबे के मालिक को यहाँ पेश करो। कुल्फी मलाई फिरनी है जो पेश करूँ? उल्टी खोपड़ी का है,
गांव गया छुट्टियों में, अगर मैं मिला भी दूं ना तो जरा सोच समझ के बात कीजिए उससे। नहीं तो क्या कर लेगा वो? अब कर लेगा तो हम उसकी खाट खड़ी कर दे, लेकिन अपने भी कुछ उसूल है। पहले हम इंसान को समझाते हैं और अगर उसके बाद भी ना माने तो उसकी ऐसी बैंड बजाते हैं कि जिंदगी भर फटे हुए ढोल की तरह पिटता रहे। अरे राजा भैया, आप उसको जानते नहीं, वो बड़ी टेढ़ी खीर है, नाम है अजगर सिंह और कानून को जेब में लिए घूमता है वो। फिर आ गया हराम के खाने, मर गए, ये मुसीबत आज फिर आ गई। क्या हाल है सुखी राम? बहुत दुखी हूँ सरकार। क्यों, कोई गुंडा तो परेशान नहीं कर रहा है ना? आपके होते हुए कोई और गुंडा कैसे परेशान कर सकता है सरकार? क्या कहा? कुछ नहीं कुछ नहीं। ये बिस्किट मत खाइए सरकार। क्यों? ये कुत्तों के खाने के बिस्किट हैं। चलेगा चलेगा, इनको आदत है। तू भी ले, ओकना नहीं। अरे ये क्या है? नई कंपनी का लगता है। नई कंपनी का है, 70 रुपए का एक है। वेरी गुड, 4 बांध दो। एजी सुनिए, ये साबुन भी नई कंपनी का लगता है। अरे वाह वाह, 2 दर्जन ये भी बांध दे। 10 रुपए का एक है मालिक। मैंने सुना तू तेल में पानी मिलाता है, चावल में कंकड़, धनिये में घोड़े की लीद और मिर्च में ईंट पीस के मिलाता है। ये क्या बात कर रहा है साहब, ये सब झूठ है भाभी जी। अरे क्या झूठ है, चल 1 किलो मिर्ची बांध, 1/2 किलो धनिया, 5 किलो तेल और 10 किलो चावल बांध। मैं घर ले जाऊंगा, पकाऊंगा, खाऊंगा और चेक करूंगा। माल है जी, जो करना है जल्दी कीजिए, मुझे बैंक जाना है, बैंक बंद हो जाएगा। ओ हाँ हाँ, मुझे याद है। हाँ तो सुखी राम, कुल मिलाकर कितने हुए भाई? लगता है पुराना हिसाब चुकाने वाला है सरकार, पिछला और आज का मिलाकर 6,900 रुपया। अच्छा अच्छा, और तुम्हारे पास रुपए कितने? निकालो। 2,000 रुपए है सरकार। दो ये, 3 ये, 5 हो गए। बैंक में जमा कराओ, अपने 1,00,000 रुपए हो जाएंगे। मैं चलती हूँ। तुम निजाम में लिख लेना ये पेड़े भी, और भूल जाना साला कमीना रिश्वत खोर। साला पेड़े का भी हिसाब खाते में लिखा है। ए, कानून को टक्कर मारता है लगड़े। कानून और अंधी जनता की टक्कर तो अक्सर हुआ ही करती है इंस्पेक्टर। मेरा नाम इंस्पेक्टर अजगर सिंह है। तो क्या गरीबों को निकल जाएगा, उनका माल खाएगा? ये मेरा इलाका है, मैं जो चाहूंगा खाऊंगा। तू कौन होता है? मुझसे उलझेगा तो जेल की चक्की में पीस के रख दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास भी एक ऐसा तिलस्मी बांबू है, ऐसा बांबू लगाऊंगा कि जिंदगी पर बंदर का नाच ना जाएगा। इंस्पेक्टर याद रख, 24 घंटे के अंदर अगर गरीबों का खाया माल नहीं लौटाया ना, तो वो अश्र करूंगा कि तू याद करेगा। तू है कौन? तू मिनिस्टर है? तू चीफ मिनिस्टर है या प्रधानमंत्री? तू है कौन जो तू मेरे मुंह मत लग, वरना ये क्या? ये जरा टोपी ऊपर करना, जरा टोपी ऊपर करो। क्या क्या कुछ नहीं हो सकता यार। अरे जाओ तुम जाओ। ये क्या देख रहा था टोपी में? हवलदार चल मेरे साथ। अरे क्या देखता था यार ये? अरे क्या देख रहा था, इंक्वायरी करते हैं टोपी के नीचे क्या है। देखा राजा भैया, ये अजगर कैसे हम लोगों को तंग करता है। घबराओ मत सुखी राम, देखना आज के बाद इसका खाना पीना उठना बैठना तो क्या, सोना भी हराम कर दूंगा। कौन है बदतमीज? हेलो, मैं निसार खान बोल रहा हूँ। निसार खान बोल रहा हूँ। हाँ जी, एक मिनट उठाती हूँ। एजी सुनो, एजी उठो, एसएसपी साहब का फोन है, उठो उठो उठो। ओफ, ये रिश्वत नहीं जो जेब में डाल रहे हो, एसएसपी साहब का फोन है, उठो। एसएसपी साहब? यस सर, यस सर, इंस्पेक्टर अजगर सिंह स्पीकिंग सर, एनी इमरजेंसी सर? कल सवेरे पहली फ्लाइट से हेल्थ मिनिस्टर हमारे इलाके में आ रहे हैं। डोंट वरी सर, हेल्थ मिनिस्टर साहब का बंदोबस्त हो जाएगा सर। बंदोबस्त उनका नहीं, हमारे इलाके के कुत्तों का करना है। कुत्तों का? तो क्या फ्लाइट में मंत्री जी के कुत्ते भी आ रहे हैं सर? बेवकूफ, हमारे इलाके के कुत्तों में बीमारी फैली हुई है, मंत्री जी को एलर्जी है, इसलिए उनके यहाँ पहुँचने से पहले कुत्ते अरेस्ट कर लो। लेकिन एक्सक्यूज मी सर, ये कुत्ते पकड़ने का काम तो म्युनिसिपैलिटी का है। कौन सा काम किसका है मुझे मत समझाओ, मैं कह रहा हूँ कुत्ते अरेस्ट कर लो तो कुत्ते अरेस्ट कर लो। लेकिन सर इतने सारे कुत्ते मैं रखूंगा कहाँ? हवालात में। लेकिन हवालात में जो मुजरिम है उन्हें छोड़ दो, वो तो इंसान है, दोबारा पकड़ लेंगे, मगर कुत्ते बार बार पकड़े नहीं जाते। अब न सवाल न जवाब, गुड नाइट।
एट नाइट। इतने सारे कुत्ते एक रात में। गुड मॉर्निंग सर। आजकल सिंह ये अंदर सब क्या हो रहा है? कुत्ते सर, कुत्ते, भांति भांति के आवारा कुत्ते, दुम कटे कुत्ते, कान कटे कुत्ते, खुजली वाले कुत्ते, बिना खुजली वाले कुत्ते, पट्टे वाले कुत्ते, बिना पट्टे वाले कुत्ते, काटने वाले कुत्ते, भौंकने वाले कुत्ते। ओ सर, इन कुत्तों को कैसे पकड़ा है ये सिर्फ हम ही जानते हैं या फिर ये कुत्ते जानते वो सारे कैदी कहाँ है जो अंदर बंद थे? सर आपने कहा था कैदियों को छोड़ दो, कुत्तों को अंदर ले लो, क्योंकि कैदियों को तो हम फिर पकड़ सकते हैं। कुत्ते इम्पॉसिबल, यू टोल्ड मी। ये मैंने कहा। यस, मैंने कहा था। हाँ, तुम बिल्कुल पागल हो। नहीं सर, तुम बिल्कुल पागल हो गए हो। सर रात को आपने टेलीफोन पे कहा था कि हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री आ रहे हैं, शहर की सड़कों पे एक भी कुत्ता नजर नहीं आना चाहिए। सो आई ओबेड यू। मैं कैसे कर सकता हूँ? मैंने तुम्हें फोन कैसे किया जबकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि टेलीफोन कंपनी ने पड़ोसी के फोन के बजाय मेरा ही टेलीफोन काट दिया। वो सर याद कीजिए, आपने पब्लिक बूथ से टेलीफोन किया होगा, यू नो। शट अप। तुम जानते नहीं, तुम्हारी इस बेवकूफी के लिए मैं तुम्हें सस्पेंड कर सकता हूँ। यानी आपने फोन नहीं किया? नहीं। और कान खोल कर सुन लो, आज के बाद अगर तुमने ऐसी बेहुदा हरकत दोबारा की तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर ही दूंगा। सर अंडरस्टैंड? इन कुत्तों का क्या करूं? अबे छोड़ दे मुझ पर। एक एक करके छोड़ू, एक साथ छोड़ दूं? शट अप। तू जानता है तेरे को सस्पेंड कर सकता हूं। मैंने फोन नहीं किया। बजा बजा। हेलो। क्यों अजगर भाई, कैसी कटी रात कुत्तों के साथ? तू तो ये तेरी हरकत थी। अरे मेरी गलती हुई उन कुत्तों के साथ, तुझे क्यों नहीं अंदर बंद किया मैंने? अरे ये तो मेरी शराफत थी। अगर 24 घंटे के अंदर दुकानदारों को खाया माल लौटाया नहीं ना तो ट्रांसफर करा दूंगा। ट्रांसफर? बेटा मेरा नाम अजगर सिंह है, मुझसे पंगा ले गया तो ऐसे केस में फंसाऊंगा कि दोबारा इस इलाके के आसपास फटकने की हिम्मत भी नहीं करेगा तू। तो ठीक है अजगर भाई, ये आने वाले 24 घंटे ही बताएंगे कि कौन किसको निकलता है। अबे रख दे फोन। देखना इसका मैं क्या हाल कर दूं, बहुत होशियारी मार रहे हैं। अरे अरे वकील साहब, अरे क्या हाल? अरे राजा भैया नमस्ते। नमस्ते। अरे नमस्कार भैया, क्या हाल है? बस ठीक ही है। और सुनाइए दिल्ली में सब कुशल मंगल? क्या बताएं राजा भैया, मेरी तो जान मुश्किल में पड़ी हुई है। क्यों, क्या हो गया? आपको नहीं मालूम? नहीं। वो निसार खान के केस के सिलसिले में यहाँ आना पड़ा। निसार खान? अच्छा एसएसपी साहब। हाँ वही। अरे 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 बगल बगल बगल, क्यों, उनका क्या चक्कर है यार? अरे दिल्ली में उन्होंने किसी पार्टी में नशे में किसी लेडी अफसर को छेड़ दिया। बस हो गया हंगामा, उस लेडी अफसर ने कोर्ट में केस ठोक दिया। फिर कल सुबह 11 बजे तक अगर खान साहब दिल्ली नहीं पहुंचे तो उनके नाम से नॉन अवेलेबल वारंट इशू हो जाएगा। अच्छा। हाँ। कब जा रहे हैं निसार साहब दिल्ली? कल सुबह 7 बजे की ट्रेन से राजा भैया। अच्छा, यानी कि आज रात को ही कुछ करना होगा। कौन? ओ, 5 बजे? ये सुबह के 5 बजे कौन आ गया? ए जी, ये तो कभी उठेंगे ही नहीं। हाँ हाँ एक मिनट। कौन है? वो है क्या? वो कौन? अजगर भाई है। कहाँ जाएंगे, मगर आप कौन है? मैं आपके एसएसपी निसार की बेगम हूँ, शर्मा पीछा। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, एजी सुनते हो, एसएसपी साहब की बेगम आई है। क्या, एसएसपी साहब की बेगम साहिबा? रिपोर्टिंग मैडम, रिपोर्टिंग। बेगम साहिबा, इतनी सुबह सुबह आप यहाँ, खैरियत तो है? क्या बताऊँ असगर भाई, मैं लूट गई। अरे क्या हुआ, क्या हुआ, हुआ क्या? आप तो जानते हैं कि निसार साहब कितने गुस्सैल आदमी हैं, छोटी सी बात से नाराज होके दिल्ली जा रहे हैं। अजी मगर दिल्ली क्यों जा रहे हैं? मैंने सुना है कि उनका दिल्ली में कुछ चल रहा है। चक्कर? दूसरी वाली का? दूसरी शादी? अपने शौहर से कहो ना कि मेरे शौहर को दिल्ली जाने से रोक ले। जी रोको जी, बात सुनने दो। अगर आप लोगों ने नहीं रोका ना तो मैं पंखे पर रस्सी बांध कर अपने आप को फांसी लगा लूंगी। आपके घर में पंखा तो होगा? है, मगर टेबल फैन है। या अल्लाह, अब मैं किस पे लटकूंगी? सलमा सलमा बहन, हाँ। आपके शौहर इस ट्रेन पर नहीं चलेंगे, ये एक भाई का वादा है। कितने बजे की ट्रेन है? सवेरे 7 बजे की। नहीं चढ़ेंगे। एसएसपी साहब, सर सर, रुक जाइए सर, रुक जाइए सर, रुक जाइए। अजगर सिंह, इतनी सुबह सुबह तुम यहाँ?
हमें गुड लक कहने आए हो? नहीं सर, नहीं, मैं आपको समझाने आया हूँ, जो हो गया उस पे झाड़ू मारिए। अरे ऐसे कैसे झाड़ू मार दूँ सर, छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं सर। ये कोई छोटी मोटी बात है, हमारी इज्जत का सवाल है। अजी इज्जत को मारिए गोली, मेरा मतलब आप घर चलिए, ठंडे दिमाग से सोचिए, आपको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। मेरी गलती? क्या बकवास कर रहे हो? नो सर, आप जा नहीं सकते। मैं कहता हूँ छोड़ दो हाथ। नहीं सर, हमारी ट्रेन छूट जाएगी। सर ट्रेन तो क्या, प्लेन भी होता तो वो भी छूट जाता, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। सॉरी, मैं कहता हूँ छोड़ दो हमें। नो सर, दिस इज एन ऑर्डर। तो फिर आई एम सॉरी टू से दिस इज ऑल्सो एन ऑर्डर। ये रहा ऑर्डर। ये क्या कर रहे हो? अबे ये क्या कर रहा है, पागल होगा क्या? छोड़ दो मुझे। हरगिज नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। अरे मेरी ट्रेन छूटने वाली है। अरे सर दुनिया छूट जाए, मैं आपको ये ट्रेन नहीं पकड़ने दूंगा। ये देखो ट्रेन जा रही है। अरे जा रही है। सर जाने दीजिए, मैं यही चाहता हूँ ट्रेन चली जाए। हथकड़ी खोलो। नहीं खोलूंगा। मैं कहता हूँ खोलो। नहीं खोलूंगा। खोलो। नहीं। अरे जा रही है, जा रही है। गई। बेवकूफ उल्लू के पट्टे, ये क्या किया तुमने? आज मुझे हर हाल में दिल्ली पहुंचना था। नो सर, अगर आज आप दिल्ली पहुंच जाते तो आपकी बेगम गले में रस्सी बांध के पंखे से लटक के ऊपर पहुंच जाती। क्या बकवास कर रहे हैं? Yes. हमारी बेगम तो दिल्ली प्लेटफॉर्म पे हमारा इंतजार कर रही है। दिल्ली प्लेटफॉर्म पे? सर सुबह मेरे घर आई थी। क्या बात है? आज कोर्ट में ना पेश होने पर मेरे खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट इश्यू हो जाएगा। ओ नो सर, आई एम सॉरी सर। सॉरी के बच्चे, मैं अभी इसी वक्त तेरा ट्रांसफर करता हूँ। नहीं सर, मेरी बात समझिए सर। यू आर सस्पेंडेड। बट सर मैं आपसे सस्पेंडेड। बड़ा पक्का सस्पेंड किया इसने सर। सस्पेंडेड। अगर दिल्ली के प्लेटफॉर्म पर इनकी बेगम है तो सुबह जो मेरे घर आई थी कौन थी? वो कौन थी? किसका फोन है प्लेटफॉर्म पर भाई? मैं तो सस्पेंडेड हूँ। और फिर बजाए साला, उठाता हूँ नहीं तो बजता रहेगा। हेलो हेलो अजगर भाई, सलमा बहन का आदाब। अरे कमीनी, ये क्या किया तूने मेरे साथ? कमीनी नहीं, कमीना बोल रहा हूँ। कहा था ना, अगर गरीब दुकानदारों का पैसा नहीं लौटाया तो 24 घंटे में हो गई ना तुम्हारी ट्रांसफर। चलो अब मैं भी चलता हूँ, हमारा काम तो हो ही गया है, अब हम भी चलते हैं मुंबई। कैसे हो राजा भाई? अबे बनारसी साधा लगा कच्ची सुपारी। अरे छोटो। अरे राजा भैया, राजा भैया, राजा भैया। जय राम। जय राम जी। क्या हाल चाल? अरे बिल्कुल चकाचक। ऐसा? आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। वो का? अरे दीवानी सेठ आपसे परेशान हुई क्या, ये होटल बेच के चला गया। चला गया? हाँ। चलो जान छोटी बिचारे की। और नया सेठ आपसे मिले खाते मर रहा है। मर रहा है? तो चलो मार देते हैं साले को। लेकिन राजा भैया, ये नया सेठ हमका कुछ टेढ़ा नजर आता है। तो हम साला कौन सा सीधा आदमी है, आज की मीटिंग रख दो साले की, खड़ी कर देते हैं। तो तुम हो छोटे से ढाबे के मालिक? छोटा ढाबा समझ कर कहीं आदमी को छोटा मत समझना। क्या बे? सेठ जी बोल रहा, सुन आ, क्या है? अपना करेक्टर थोड़ा टेढ़ा है, अपन किसी से लड़ जावे ना तो बंदा कुछ ऐसा कर डालता है कि सामने वाला ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोच सकता। अरे ख्वाब आएंगे तो सोचेंगे ना, आपसे जो पंगा ले उसकी तो नींद हराम हो जाए। अबे तू मेरी तरफ है किसकी तरफ है? आप ही की तरफ। लखाक मेरी तरफ है? बात कह रहा हूँ। काली का बैंगन, ये तो टेढ़ी खीर लगती है, निगलने के लिए चापलूसी का शहद लगाना पड़ेगा। शहद से काम नहीं चलेगा। आवाज आई क्या? अरे मन में इतना लाउड बात करोगे तो आवाज तो आएगी ना। बातें तो होती रहेंगी, तुम हमारे पड़ोसी हो, बताओ क्या लोगे? अपने को चापलूसी नहीं चाहिए, मेरा मतलब तकल्लुफ मत करो बाबा यार। बकरे को हलाल करने से पहले कुछ खिलाया पिलाया जाता है। हाँ वो समझ रहा हूँ। बात बता, तू मेरी तरफ है कि इसकी तरफ है? मैं तो आपकी तरफ हूँ। ये कौन सी तरफ? नहीं खाने में क्या लेंगे आप? है क्या तुम्हारे पास? चल बोल। हमारे पास चिकन लॉलीपॉप है, चिकन तंदूरी है, चिकन टिक्का है, मटन कबाब है। मेहमान है, खाने दो ना। काम के बीच में बोलेंगे आप? फिश है। चाय पिला के? चाय पा दूंगा मैं। मटन कढ़ाई है, चिकन कढ़ाई है। एक काम कर, एक प्लेट सब ले, बाद में खाने का ऑर्डर डालेंगे। yes, पिछले जन्म में भैंसा था क्या? ये बोले छड़िए, आवाज आई क्या? हाँ तो फिर अपने आपको गाली दोगे तो सुनाई नहीं देगा। मैं अपने आपको भैंसा थोड़ी बोलूंगा। वही तो बोल रहा हूँ, भैंसा ऐसा थोड़ी होता है। अरे बाप रे, ये तो बहुत चालू आदमी है। अभी तुम्हारे साथ चलने के लिए चालू बनना ही पड़ेगा ना। देखो यार मैं स्ट्रेट बात करता हूँ तुमसे, तुमने मेरे होटल के अंदर जो ढाबा बना के रखा है, जो झोपड़ा बना के रखा है, वो तोड़ डालो।
और क्या करूं, सड़क पे आ जाऊं, वड़ा बेचूं, भजिया तलूं। नहीं, मेरे होटल में काम करो, मैं तुमको पगार दूंगा 10,000 रुपया महीना। मेरे ढाबे पे काम करो ना, मैं तुमको 20 देता हूं। देखो, मैं तुमसे सीधी बात करता हूं। ए सेठ जी, फूल मत देना, वो पिछले मालिक ने मेरे नाम की सुपारी दी थी, कुछ बिगाड़ नहीं पाया। गुंडागर्दी की बात नहीं कर रहा हूं, शराफत की बात कर रहा हूं। शराफत इसी में है कि मेरे ढाबे के बारे में सोचना बंद कर दो। सही बात है। क्या बात है? बेटी का फोन है। ओ कहने लगी मेरी दाढ़ी बड़ी अजीब है। मैंने कहा सही बात है। क्या बोला बे? मोबाइल का लाइन चालू है, बिल जाता है, बात कीजिए ना। करता हूं, करता हूं। हां बेटी। किसका फोन है? बेटी का फोन है। इसकी बेटी है? एक ही बेटी है। जवान है, जवान है, खूबसूरत है, कुंवारी भी है। कुंवारी है तो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई यार। कैसे? घर में लड़का और शहर में ढूंढ रहा। हां यार, मेरी बात छेड़ना इससे। बात छेड़ो ना, प्रॉब्लम सॉल्व है यार। यस सेठ जी, सेठ जी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। कैसे? बात कीजिए। हां क्या? देखिए लाला जी कह रहे थे कि मैं जवान हो गया हूं और मेरी शादी की उम्र हो गई। और अभी अभी बाकी ने बताया कि आपके घर में जवान बेटी है। तो मैं ये कह रहा था कि आप अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए, मैं अपने ढाबे की चाबी आपके हाथ में दे देता हूँ। तेरी हिम्मत कैसी मेरी बेटी का नाम लेने की? अरे इसमें प्रॉब्लम क्या है? घर में जवान बेटी और फास्टर के सामने ढाबा, दो परेशानी एक साथ दूर होती तो आपको जाता क्या? मैं तेरा मुंह फोड़ डालूंगा। सेठ जी ठीक है, आपने मेरे साथ पंगा ले लिया ना, आज से आपका बुरा टाइम शुरू हो गया है। और यकीन नहीं आता ना तो अपने घड़ी में अपना टाइम देख लीजिए। क्या देखूं बे? इसकी औकात देखी, कहाँ ये दो कौड़ी का इंसान, कहाँ मेरी बेटी? अबे हाथ उमर, उड़ा दिया गरीब को। ए, गंजे, अंधा है क्या, इतनी बड़ी गाड़ी नहीं दिखती? अयो ये गरीबों का धंधा ही है बेबी, अमीरों की गाड़ी के आगे पैसा बनाने का। ए देखो, तुम लोगों ने हमारा इतना नुकसान कर दिया है, पैसा तो देना ही पड़ेगा। अरे अरे काहे का पैसा, गलती तुम्हारी है इडियट। हम तुम्हारा कंप्लेन करेगा पुलिस में, समझा? चलो बेबी रंग मंदिर में, पब्लिक तुम्हारा इंतजार करता होगा। शो का टाइम हो गया। अरे चोरी और सीना चोरी। अजीब जमाना आ गया, गरीब को कोई देखने वाला नहीं है। अरे छोटू, तेरा ये हाल किसने किया है? ये एक सर्वीरी लड़की जिसने मुझे कार से उड़ा दिया। और तुम मुड़ के आ गए, मर्दों का नाम खराब कर दिया। कौन थी वो लड़की, उसका आता पता बता। राजा भैया, मुझे उसका आता पता नहीं मालूम, लेकिन आज रंग मंदिर में उसका डांस का प्रोग्राम है। ऐसा? हाँ। तो फिर देख, आज उस लड़की को मैं कैसा डांस कराता हूँ।
मिठाई आने लगे जी बाबा। चोट लगी बेचारे को, अरे कोई एम्बुलेंस तो बुलाओ। अरे जो इस पर गिरा था वो किधर गया? राजा भैया, लड़के को सबक सिखा दिया? चुप बे कमीने, सारी गलती तेरी थी। मेरी गलती? तू रॉन्ग साइड से आया था, तू जानबूझकर उसकी गाड़ी से टकरा गया। तेरा ब्रेक फेल हो गया था, तेरी घंटी काम नहीं कर रही थी, तू अंधा हो गया था साले। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तू कोतवाल नहीं, तू चोर है। तू चोर भी नहीं, तू डाकू नंबर वन है। गलती उसकी और इल्जाम सारे मेरे ऊपर। अपनी जबान को लगाम दे, वो लड़की कभी गलती कर ही नहीं सकती। कितनी सुंदर, कितनी प्यारी, कितनी सुशील, कितनी नेक। काश मैं उसकी गाड़ी से टकराया होता, टांग मेरी टूटी होती, वो अस्पताल फूल लेकर आती, मुझे अपने हाथ से खाना खिलाती और पूछती अब कैसा लग रहा है। अब ये होटल ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। होटल चले या ना चले, हमारा चक्कर चल गया, हम चलते हैं। अभी भी यहाँ चलते बने? इश्क में ऐसा ही होता है, आदमी आता है, जाता है, जाता है, आता है, खाता है, पीता है, नहाता है, धोता है, फिर जाता है, फिर आता है। हे भगवान, अपना राजा भैया गया काम से। मास्टर जी, ये हुआ कैसे? अयो राहु कालम जी, हम राहु कालम में प्रोग्राम शुरू किया, शनि जंप किया। मास्टर जी, ये बहुत जबरदस्त फ्रैक्चर हुआ है, इसके ऊपर हल्का सा भी वजन नहीं पड़ना चाहिए। अयो वजन हम मक्की नहीं बैठने देंगे। मास्टर जी, अम्मा बहुत तकलीफ हो रही है ना? लेकिन वो अंधा था कौन जो आपके ऊपर गिरा? मैं। कभी कभी आंखें होते हुए भी आदमी अंधा हो जाता है, और वही मेरे साथ हुआ। अयो यही था अम्मा, यही बेबी, यही चली। बोल पकड़। तो तुम ही हो जिसने मास्टर जी की टांग तोड़ी है? मास्टर जी की टांग टूटी सबने देखा, लेकिन मेरा दिल टूटा किसी ने ना देखा। क्या पर है बेबी से दूर रहना। बेबी, जब आदमी की टांग टूटती है उसका दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि टांग का डायरेक्ट कनेक्शन दिमाग से होता है। और हकीकत यह है कि मैं तुमसे दिलो जान से मोहब्बत करता हूँ, बे इंतहा इश्क करता हूँ तुमसे। शाहजहां ने मुमताज के लिए एक ताजमहल बनाया था, मैं तुम्हारे लिए सात सात ताजमहल बनाऊंगा। अयो इतना मार्बल किधर से लाएंगे जी? हमारे देश में बहुत सारे खान है, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, किसी भी खान से उधार ले लूंगा, मगर ले आऊंगा। और उसके बावजूद भी अगर नहीं मिला तो कागज पर पेंसिल से बनाकर तुझे भेंट कर दूंगा। इधर ला बे, बेबी ये लो, और वो मुझे दो जो मैं चाहता हूँ। ये
हेलो, कौन? लल्लू साहिब, किसी लल्लू का कोनो चोचो से फोन है। अबे लल्लू का कोनो कोचो से नहीं, मेरे दोस्त का होनू लल्लू से फोन है। जा अपना काम कर। क्या कर रहा है? डांस कर रहा है। गधा कहीं का? कमाल है, लात खुद मारते हैं और गधा इसे बोलते हैं। तो क्या मैं गधा हूँ? तो फिर आपको लात मारने की आदत क्यों है? मैं पुराना फुटबॉल प्लेयर था। चलिए चलिए अपना काम कीजिए। अपना काम कीजिए, फिर से लात मारूं उसको? क्या औरत है? कौन बोल रहा है? मैं गधा बोल रहा हूँ, सॉरी मैं के बोल रहा हूँ। अरे किशनु, मैं बिल्ली बोल रहा हूँ होनोलुलु से। अरे बिल्ली, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। सुनो, मैथ की पढ़ाई खत्म हो गई है, अगले महीने हम इंडिया आ रहे हैं। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं फौरन केरन और मैथ की शादी का मुहूर्त निकलवाता हूँ। ओके बाय बाय। ये किससे बात कर रहे थे आप? मेरे एक दोस्त का अमेरिका से फोन था, उसके बेटे के साथ मैंने अपनी किरण की शादी पक्की कर दी है। क्या? ये नहीं हो सकता। किरण की शादी तो मेरी सहेली मीना के बेटे रवि के साथ होगी, जो अफ्रीका में पढ़ता है। तुम्हारा दिमाग खराब है। किरण की शादी अमेरिका में होगी? नहीं, किरण की शादी अफ्रीका में होगी। किरण की शादी अमेरिका में होगी? किरण की शादी अफ्रीका में होगी। किरण की शादी? मम्मी डैडी, आप लोग अब किस बात पे बहस कर रहे हैं? अच्छा हुआ बेटी तू आ गई। तू ही फैसला कर, तू अमेरिका में शादी करना चाहती है या अफ्रीका में? ना तो मैं अमेरिका में शादी करना चाहती हूँ और ना ही अफ्रीका में। मैं तो अपने देश में ही शादी करूंगी। अपने देश में? हाँ, मैंने अपना मनपसंद लड़का चुन लिया है। हा? कौन है वो? क्या करता है वो? क्या नाम है उसका? आज के फेवरेट बॉक्सर तुम हो। तमाम लोगों ने पैसा तुम पर लगाया है, लेकिन आज तुम्हें हारना होगा। क्या? बिग ब्रदर का यही हुक्म है, आज की तमाम कलेक्शन हमारी जेब में होनी चाहिए। राहुल ने तो सारा काम ही उल्टा कर दिया, जबकि मैंने उसे अच्छी तरह समझाया था। हाँ ठीक है राहुल, आज मैं बहुत खुश हूँ मेरी जीत पर। जीतते तो तुम हर वक्त ही हो, तुम्हें हरा कौन सकता है, लेकिन आज तुमने मुझे भी जीत लिया है। पापा ने तुम्हें घर पे बुलाया है। अच्छा राहुल, विशंबर सेठ ने तुम्हें अभी और इसी वक्त बुलाया है। किरण, मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना पड़ेगा, तुम चलो मैं बाद में मिल लूंगा। तुम आओगे ना? पक्का पक्का। बाय बाय। चलो। लोग तो आस्तीन में सांप पालते हैं, लेकिन तुम तो आस्तीन के बिच्छू निकले, हमें ही डस लिया। मैं पूछता हूँ, जब तुम्हें बॉक्सिंग में हारने के लिए कहा गया था तो तुम जीते क्यों? जानते हो तुम्हारी वजह से हमारा कितना नुकसान हुआ है? 50 लाख रुपया। अब उसे कौन भरेगा? तुम? तुम्हारे पास है ही क्या? नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? तुम्हारे ऐशो आराम के लिए हम तुम्हें पहले ही 20 लाख रुपए दे चुके हैं, अभी तक तो वो चुकाए नहीं, ऊपर से इतना बड़ा नुकसान। आपको तो सिर्फ अपने 50 लाख की पड़ी है। अगर आज मैं हार जाता तो मेरा करोड़ों का नुकसान हो जाता, किरण मेरे हाथ से निकल जाती। किरण?
ये किरण कौन है? के सिंघानिया की बेटी। अरे बिरादर, के सिंघानिया तो यहाँ का बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून है। वो सिंघानिया। अच्छा अच्छा, अरे तो तुमने उस सिंघानिया की इकलौती बेटी को फांसा है? जी हाँ। शाबाश शाबाश शाबाश। अरे अरे यार, तुम्हारी इन्हीं अदाओं पर तो हम तुम पर लाखों रुपया खर्च कर देते। लेकिन जरा ख्याल रखना, बड़ी होशियारी से, बहुत बड़ी मछली है, किसी भी सूरत में तुम्हारे जाल से निकलनी नहीं चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए, किरण पूरी तरह से मेरे प्यार के जाल में फंस चुकी है। अच्छा? मुझसे शादी करने के लिए तड़प रही है। बहुत ही जल्द मुझे अपने डैडी से मिलवाने वाली है। सेजी, सेजी, सेजी। कौन है? सेजी। Oh, you? Fine. सर जी लोग फॉरेन से आए हैं और ये इनके एजेंट हैं। नाइस टू सी यू। ये लोग हिंदुस्तानी और अंग्रेजी फिल्म स्टारों के साथ एक बढ़िया शो करना चाहते हैं। मुबारक हो। थैंक यू। इसलिए हमारा होटल 2 महीने के लिए बुक करना चाहते हैं। सेठ जी, इनका ये स्टेज प्रोग्राम दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। इसमें माइकल जैक्सन आएगा। really? इसलिए सिक्योरिटी का इंतजाम जबरदस्त होना चाहिए। अरे सिक्योरिटी पूछे से कैसी होती है? आप बेफिक्री, हमारे सेठ जी खुद बंदूक लेकर गेट पर खड़े रहेंगे। रियली? मैं वॉच हूं क्या? नहीं, मेरे मतलब सब बढ़िया हो। डोंट वरी अबाउट सिक्योरिटी। सेठ जी, वो जो कंपाउंड में आपका ढाबा है ना, उसको हटाना पड़ेगा। ये लोग स्टेज वहाँ लगाना चाहते हैं। आप फिक्र मत कीजिए, मैं वो ढाबे को यूं उड़ा दूंगा तो ठहरना यार। टूट जाएगा ना? हाँ बिल्कुल टूट जाएगा। मैं बुकिंग कंफर्म समझूं? हाँ बिल्कुल, एडवांस दे दीजिए। आप चलिए, अभी आ रहा हूँ मैं। अभी जॉइन कर रहा हूँ आपको। प्लीज कम विद मी प्लीज। सेठ जी, आपने ये क्या सौदा कर लिया? अरे वो ढाबा तो आपके पिताजी भी नहीं तोड़ा सकते। क्या बोला? मेरे पिताजी का नाम लेता? नहीं, पुराने मालिकों के पिताजी ने भी कोशिश की, वो भी नहीं तोड़वा सके। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं आपके पिताजी की बात नहीं कर रहा हूँ। तूने वो मिसाल नहीं सुनी, साम दाम दंड भेद? ये क्या नया लफड़ा है? ये लफड़ा नहीं है, साम माने समझाना। आपने बहुत समझाया लेकिन समझा नहीं ना। दाम मतलब दाम देकर खरीदना। आपने खरीदने की कोशिश की लेकिन वो बिका नहीं। अब दंड देख। दंड क्या है? कल बजट आने वाला है और तुमने ढाबे का 1 महीने का सामान आज ही भरवा लिया। मान गए राजा, तुम सोचते बहुत दूर की हो। कभी कभी मैं करीब की भी सोचता हूँ, क्या पता करीब का आदमी ज्यादा धोखा दे दे। अबे ओए लंबू, मेरे रास्ते में बम्बू बन के क्यों खड़ा है बे? अबे तुझे लंबा करने आए हैं। लंबा करने? लंबा क्यों करने आए? हाइट से खुश हो यार। अबे ओए, अबे क्या कर रहे हो भैया? बड़े बादाम पिस्ता खाए हुए लगते हो, लेकिन अपना जोर इन आलुओं पे क्यों निकाल रहे हो? तुम जानना चाहते हो मैं ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब आदमी को चर्बी चढ़ती है तो वैसा करता है। अबे हाँ, जैसा ही सालू की गोनी को फेंका है ना बेटा, वैसा अब तेरे को उठा उठा के फेंकने वाले हैं। एक बात बोलूं बेटा? हाँ बोल। तूने कांदा उठा के फेंका, मैं कुछ बोला नहीं? आपने बटाटा उठवा के फिंकवा दिया, मैं कुछ बोला नहीं? मालूम है क्यों नहीं बोला? क्यों? इसलिए कि टेम्पो मेरा नहीं है, मेरा टेम्पो तो उधर खड़ा है, मैं तो इस पे हाथ रख के खड़ा था यार। अबे चल चल। अबे अबे तेरी ऐसी की तैसी, अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी कहाँ जा रहे हो? नन्ने भैया, बन्ने भैया। बन्ने और नन्ने, किसने भेजा था तुमको बताओ, वरना मैं तुम्हारे मुन्ने की। सिंघानिया सेठ ने। कहा है वो? पूत। जो तुम मेरे साथ करने आए थे ना, अब उसके साथ करो, वरना जाइए नन्ने भैया, जाइए वरना ये मेरी। हाँ ना, अभी जाते हैं, अभी जाते हैं। अरे बाप रे, ये लोग मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं? अरे बाप रे, अरे मार मार के तोड़ दिया। अरे तेरा सत्यानाश, तेरे चिड़े पड़े।
ये नहीं, कुछ और दिखाइए ना। किरण हम ऊपर सेवेंथ फ्लोर पर जा रहे हैं, तू वहीं आ जाना। अच्छा ठीक है। ये भी नहीं, ये वाली। आय हाय हाय हाय, ऐसा लगता है जैसे बादलों में चांद निकल आया हो। आपके हस्बैंड के टेस्ट तो मांगिया में सर। ये मेरे हस्बैंड नहीं है, बॉयफ्रेंड है। जस्ट शट अप। अरे अभी भी शुरू हुआ यार, मतलब होने वाले। कोई बात नहीं, एक दिन इससे शादी करके तेरी दुकान पे जरूर लेकर आऊंगा। जरूर लाना साहब। हाँ क्या है कि आज तक मुझे तुम जैसी कोई लड़की दिखी नहीं, दिखी नहीं तो मिली ही नहीं, मिली नहीं तो बात बनी ही नहीं, बात बनी नहीं तो बात आगे बढ़ी ही नहीं, इसलिए मैं जिंदगी में पीछे रह गया। लेकिन अब तुम मिल गई हो तो ऐसा लगता है कि जिंदगी में कुछ आगे बढ़ने का चांस। शट अप, चिल्लाओ मत वरना लिफ्ट रुक जाएगी। शट अप शट अप शट अप। देखा, रुक गए ना लिफ्ट। मुझे डर वर नहीं लगता, समझे फूल। क्या हो गया बेबी, ये अंधेरे में हजार वोल्ट के झटके क्यों दे रही हो? कॉकरोच। कॉकरोच यानी कि छपड़ा। कॉकरोच भैया, क्या टाइम पे एंट्री मारी है यार। जब तक जिंदा रहूंगा तुझे सलाम करता रहूंगा, तुझे अगरबत्ती दिखाऊंगा, तेरा स्टैचू बनाकर उस पर हार चढ़ाऊंगा, तुझे मोतीचूर के लड्डू खिलाऊंगा साले। ये क्या बदतमीजी है? माफ कीजिएगा मैम साहब, मैं कॉकरोच की तारीफ कर रहा था। मेरा तो दम घुट रहा है, कोई है? मैं हूँ ना। शट अप, कोई है? मैम साहब आप यहाँ से ऊपर आ जाओ। वहां से? अच्छा बेबी, मेरे हाथों पे अपने पांव रख दो बेबी और चढ़ जाओ। हाँ चढ़ते रख दो। हाय हाय हाय, देख क्या रहे हो? तुम्हें देख रहा हूँ बेबी। आंखें बंद करो। आ क्या, मेरी तो सांस ही बंद हो चली है। जल्दी चलो, काफी भारी भरकम हो यार। अरे एक बार हमको थैंक यू तो बोलो यार। हाँ? ए, क्या कर रही हो? मेरी जूती से। क्या कर रही हो? मिल गया प्यार करने वालों का नजराना, मिल गया। मेरी सैंडल दो। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। मेरी सैंडल दो। देता हूँ एक मिनट। हाँ, तुम्हें अपना बनाने की कसम। अभी बताते। ए, सुनो, अगर थूकना है तो इस पे थूक दो। इडियट। अबे मुझको भी तो बाहर निकाल। अबे अबे तुझको क्या सिर्फ लड़कियों को बाहर निकालने के लिए रखा है क्या? आज हूँ आए बाल सावन बीता। सुनिए, सुनाइए। छोटे मियाँ कहाँ है? वो तो गए नागपुर। लेकिन कल तो थे। लेकिन आज तो गए। कब आएंगे? कभी नहीं। क्यों? वो नागपुर में उनकी शादी थी ना। तो वो कानपुर के घर दामाद हो गए। ऐसा क्यों? वो जौनपुर के थे ना भाई। तो जौनपुर के लोग ऐसे होते हैं? वो तो जयपुर और उदयपुर वाले ही बता सकते हैं। अच्छा, तो मेरे कपड़े कौन सी है? मैं हूँ ना मदनपुरा का आपका मियाँ। मेरा मियाँ? मतलब कि आपके टेलर के वाले बड़े मियाँ। अच्छा चलिए ठीक है, माप ले लीजिए। माप तो मैं आपका कभी से आँखों आँखों में ले चुका हूँ। क्या कहा? यकीन ना है तो मेरे हाथों से पूछिए, मेरी सांसों से पूछिए, अंधेरे में फैले उस रेशमी उजाले से पूछिए। अरे कैसा अंधेरा, कौन सा उजाला, कैसा मजाक कर रहे हैं? आप नहीं समझेंगी, आपके कपड़े तैयार हैं, जाइए जाकर आप ट्राई कर लीजिए। पता नहीं कैसे पागल से पाला पड़ा है। अरे राजा, तेरे बताए हुए नाप के हिसाब से मैंने सारी ड्रेसें बना दी, अगर एक इंच भी ऊपर नीचे हो गया तो ये मेरी दुकान ऊपर नीचे कर देगी। अबे घबरा मत यार, ऐसा कस के नाप लिया था मैंने लिफ्ट में। आज जाकर पूछूंगा ऊपर वाले से कि तूने मुझे दो चार हाथ और क्यों नहीं दिए नाप लेने के लिए।
यू फ्रॉड, ये लो कपड़े, ये लो पकड़ो, ये भी लो। मैं दीवाना हो गया।
थैंक यू। ये तेल मैंने गांव से मंगाया है। आपके हड्डियों में से कड़कड़ की आवाजें आती है ना, आवाज और हड्डियां दोनों गायब हो जाएंगी। क्या मतलब है? मेरा मतलब है आवाज और दर्द दोनों गायब हो जाएंगे। ये तेल पहले किसी पे आजमाया कि डायरेक्ट मुझे पे आजमा रहा है? नहीं नहीं, आजमाया ना। हमारे गांव में एक आवारा सांड था, उसको गांव वालों ने मिलकर पीटा, हमने उस पे आजमाया, सांड ही गायब हो गया। क्या मतलब है तेरा? मेरा मतलब जिस गांव से आया था ना, उस गांव वापस चला गया। तो मैं अलीबाग से हूं, तो क्या मैं वापस अलीबाग चला जाऊंगा? बिल्कुल बिल्कुल, यहां रहकर कब तक पिटते रहेंगे? चल, मैं इस ढाबे वाले को नहीं छोड़ूंगा। उससे निबटने के लिए मैंने पूरी पुलिस फोर्स बुलाई है, अभी आती होगी। गुड मॉर्निंग सर। आइए आइए। इंस्पेक्टर अजगर सिंह रिपोर्टिंग। वेलकम सर। थैंक यू। सेठ जी, ये घड़ी तो बड़ी खूबसूरत है, स्विट्जरलैंड की है। सर आप ये ढाबा गिरवा दीजिए, ये क्या मैं आपको 10 घड़ियां लाके दे दूंगा। फिलहाल मैं इसको रख लेता हूँ, 9 और मंगवा दीजिएगा। लवली लवली लवली। अरे बड़ा खूबसूरत चश्मा है, इटालियन कंपनी का लगता है। अरे सर ये क्या है, आप जरा वो ढाबा गिरवा दीजिए, मैं आपको 10 चश्मे मंगवा दूंगा। अभी फिलहाल मैं इसको रख लेता हूँ, 9 और मंगवा दीजिएगा। ये तो अली बाबा 40 चोर का बाप लगता है, आते ही लूट मार शुरू कर दी। अरे छोड़ना यार, वो ढाबा गिराने के लिए लूटने तो क्या, मैं मिटने को भी तैयार हूँ। चलें सर। हाँ हाँ चलें, इसको बाद में देखते हैं। कहाँ है वो ढाबे वाला? उसने बहुत तंग किया मुझको, आज उसको पकड़ लीजिए सर। हाँ फिकर मत की। किधर है वो गुंडा? ये क्या है, बिना लाइसेंस के दारू बेचता है? साहब ये दारू वालों ने पानी है। शट अप। ये वो दारू है जिसको पीकर सूरत में 15, आंध्र प्रदेश में 20 और उत्तर प्रदेश में 25 आदमी मर गए। ऐसे कैसे साहब? अरे लगाओ हथकड़ी साले को। अरे क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ी पकड़ना है, दारू वालों को पकड़ने चला है, बड़े वाले गुंडे को पकड़ो ना। तो ये वो नहीं है? किधर है बड़ा गुंडा? बुलाओ उसको, बुलाओ। देखा आपने कैसे हिल गया? राजा भैया बाहर पुलिस आई है। बाहर आओ ढाबे वाले। चलो चलते। राजा भैया पहले दाढ़ी तो बना लियो। पहले इनकी हजामत कर दूं, बाद में अपनी दाढ़ी बनाता हूँ। आओ। कहिए इंस्पेक्टर साहब, क्या चक्कर है? ये वो ढाबे वाला। अच्छा, शेविंग क्रीम लगा के आया है ताकि चुपके से निकल सके। चुपके से कौन निकलेगा, ये तो क्रीम निकलने के बाद ही पता लगे। शट अप। इस शहर में मेरा ये पहला केस है, आखिरी भी हो सकता। अरे चुप, देखता हूँ तुम कितने बड़े गुंडे हो। हवलदार गिरफ्तार कर लो इसको। अरे सिम, एक मिनट, गिरफ्तार करने से पहले क्रीम तो निकाल ले दो। हाँ निकाल लो। रुमाले आपके पास? रुमाले आपके पास? रुमाल भी मेरे लेंगे, अपना निकालो ना। पहली बार किसी को अपना रुमाल देना पड़ रहा है। रुमाल ला पकड़। ये शेविंग क्रीम लगा के मुझे उल्लू बना रहा है। अरे मैंने बड़े बड़ों को पकड़ा है साहब, ये चीज क्या है? सही बोल रहे हैं। चलिए इंस्पेक्टर साहब। अबे तू, अजगर भाग, अजगर भाग, अजगर भाग, अजगर भाग। अरे इसे क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे में क्या है जिसको देखकर वो तूफान मेल की तरह भाग गया? ये अंदर की बात है सेठ, जिस दिन आपको ये राज मालूम पड़ेगा ना, आप भी इसी तरह दुम दबा कर भाग जाओगे। मेरा नाम के सिंघानिया है बच्चे, मेरे सामने बड़े बड़े तुर्रम खान नहीं टिक सके तो तू कौन से खेत का बैंगन? बैंगन नहीं मूली, मिसाल टिक से दिया करो। हाँ वही मूली सेठ, ऐसी मूली हूं ना मैं, खाओगे तो नाक मुंह का नाक और यहाँ वहाँ सब जगह से पानी पानी निकलेगा। मैं मूली खाता ही नहीं हूँ, समझ गया? अजय। डैडी। हाँ। डैडी ये है राहुल, मेरे लाइफ पार्टनर और आपके वुड बी सन इन लॉ। तो आप हैं जिसने मेरी बेटी को बस में कर रखा है? इन्होंने मुझे अपने बस में नहीं किया, मैंने इनको अपने बस में किया है। अरे सब कुछ तू ही बोलती रहेगी या इन्हें भी कुछ बोलने देगी? राहुल बहुत ही शर्मीला लड़का है माँ। अच्छा आइए शर्मिले साहब बैठिए। थैंक यू। और प्रखुरदार करते क्या हो? केमिकल प्लांट लगाना चाहता। केमिकल प्लांट? जी हाँ। तजुर्बा है उसका? बिजनेस मैनेजमेंट किया है मैंने सर। अच्छा बिजनेस मैनेजमेंट किया है। मैनेजमेंट यानी कि मेरी नौकरी खतरे में? आपने नया मैनेजर रख लिया क्या? शट अप इडियट।
कुछ भी बोलते थे, सॉरी। सेठ जी, ये तो घर में भी काला चश्मा पहने हुए हैं, देखिए कहीं अंधा खाना तो नहीं, फिजिकल हैंडीकैप तो नहीं है। माँ, चेक 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 चेक, ये रहा चेक। इनका सेंस ऑफ ह्यूमर तो बहुत ही अच्छा है। ये लीजिए, निकाल दिया काला चश्मा। देखो राहुल, तुम मुझे इस तरह छोड़ के नहीं जा सकते। राहुल, तुम्हारे लिए मैंने अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, यहाँ तक कि अपना घर बार तक छोड़ दिया। राहुल, अब तुझमें रखा ही क्या है? तेरे बाप ने तुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया है, और जो तू पैसे साथ में लाई थी वो तो खत्म हो गए। राहुल, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो क्या हुआ, तुझसे पहले भी बहुत लड़की आई है, माँ बनकर बच्चे को लेकर चली गई। अगर मैं हर बच्चे को अपना नाम दे दूं तो मुझे तो अनाथ आश्रम खोलना पड़ेगा, समझ गई? राहुल, राहुल, तुम अगर मुझे छोड़ के चले गए तो मैं जी नहीं पाऊंगी। तो प्रॉब्लम क्या है, मर जाओ, कर लो आत्महत्या। क्या? कई लड़कियों ने यही रास्ता अपनाया है। इसका मतलब भोली भाली लड़कियों की जिंदगी के साथ खेलना कि तुम्हारा पेशा है राहुल? जी हाँ, समझ गई आप, यही है मेरा पेशा। अरे डैडी, कहाँ खो गए आप? राहुल को पहली दफे जो भी देखता है यूं ही खो जाता है, और जो दूसरी बार देखता है वो? आपने इससे पहले कहीं देखा है इसको? इसकी आंख में लफड़े का बाल दिख रहा है मुझे। शट अप फूल। बेटी, इनके लिए खाना लगवा दो। जी नहीं आंटी, आज मंगलवार है ना, मंगल और शनि को मैं उपवास रखता हूँ। बड़े धार्मिक हो हैं? जी अंकल, किरण मुझे खींच लाई, वरना मैं पूजा किए बगैर घर से बाहर नहीं निकलता, चाहे करोड़ों का नुकसान क्यों ना हो जाए। अच्छा अंकल, नमस्ते। अच्छा नमस्ते भाई। जी 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 जी, मैं आपके लिए ऑटो मंगाऊं? जी नहीं, मेरे पास गाड़ी है। आपके अपनी है? जी हाँ। वेरी गुड, मुझे होटल तक ले देंगे प्लीज? आइए। शुक्रिया। लड़का कैसा लगा आपको? एक नंबर का आवारा, बदमाश और बच्चरन किस्म का लड़का है। ये क्या कह रहे हैं आप दादी? अमीर लड़कियों को फांसना, उनको शादी के सपने दिखाना, बाद में उनकी इज्जत और दौलत को लूटना, ये उसका पुराना पेशा है। राहुल पर इल्जाम लगा रहे हैं? इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। मैंने अपनी आँखों से देखा है, अपने कानों से सुना है। उस बेबस लड़की का गिड़गिड़ाना जो उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी, और बाद में जिसने आत्महत्या कर ली। मैं नहीं मानती, क्या सबूत है आपके पास? मैं तेरा बाप हूँ, अब मुझे सबूत देना होगा तुझे। समझ गई, समाज और सोसाइटी में अपना स्टेटस ऊंचा रखने के लिए आप मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे के साथ कराना चाहते हैं? तुझे मेरे दोस्त के बेटे से शादी नहीं करनी है, मत कर। तू रास्ते से किसी भिखारी को पकड़ ला, मेरे किसी दुश्मन को पकड़ ला, उसके साथ मैं तेरी शादी करा दूंगा, मगर इस मकार के साथ कभी नहीं, नेवर। और अगर आपने फिर भी इनकार कर दिया तो? तो फिर जो तेरी मर्जी में है वो करना, मैं तुझसे कुछ नहीं कहूंगा। इट्स अ प्रॉमिस। फैमिली रूम बना रहे हैं। फैमिली रूम? वो क्या के लिए? अरे शादी करके बीवी लाएंगे तो आपके होटल में रखेंगे क्या? अबे मैं तेरा ढाबा गिराने के चक्कर में तू फैमिली रूम बना रहा है? अरे आप किस चक्कर में, उससे हमको क्या फर्क पड़ता है? सेठ जी आप समझते नहीं है, आपकी हमारी ताजी ताजी दुश्मनी हुई है, अभी दुश्मनी बरकरार रखने के लिए बच्चे तो होना चाहिए ना। आज आपके हमारे बीच में, कल बच्चों के बीच मारामारी होगी, फिर उनके बच्चों के बीच मारामारी होगी, अभी सब चलता रहेगा, आप नहीं समझेंगे, आप बच्चे हैं। बेटा तेरे को बहुत चर्बी चढ़ गई है, मैंने भी म्यूनिसिपल कमिश्नर को फोन करके तेरा ये फैमिली रूम और ये ढाबा नहीं गिरा दिया तो मेरा भी मेरा भी क्या नाम भूल गया क्या अपना ही? अबे के सिंघानिया, नाम नहीं हो गया इधर। हाँ मालूम है। आइए तोड़नार साहब। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। यही है वो ढाबा? जी हाँ यही है, मखमल में टाट का पैबंद, मेरे फाइव स्टार होटल में ग्रहण। अच्छा, ओए प्याज के छिलके इधर आ, इधर आ। देख, 5 मिनट के अंदर ये ढाबा खाली कर, वरना बुलडोजर चला देंगे और नुकसान के जिम्मेदार तुम खुद होगे। अरे साहब ये क्या करने जा रहे हैं, हमारा साहब आएगा तो लफड़ा कर देगा। क्या रे, तेरा साहब कोई कलेक्टर है, कमिश्नर है कि मिनिस्टर है जो लफड़ा कर देगा? देख, एक तो ढाबा बनाया, ऊपर से इलीगल माला चढ़ा रहे हो, ये गैर कानूनी है, टूटना चाहिए। इस देश में बहुत कुछ गैर कानूनी है,
तो सबको का तोड़ते रहोगे आए? ऑर्डर मिलता है ना तो सब कुछ टूटता है। अरे दूसरे की जगह पर तुमने ढाबा बनाया, तुम्हारा राज चल रहा है क्या? राज तो सरकार का भी बराबर नहीं चल रहा है, बार बार बदलती रहती है, तो हमारा कैसे चलेगा? लेकिन आज ये सरकारी बुलडोजर चलेगा, मतलब चलेगा। ए, चला रे। एगो फोन लगाए का? फोन? हाँ, इसके पास फोन भी है, तीन तीन लाइन भी है। हा? इनके ढाबे में जितने रहते हैं ना, वो हमारे फाइव स्टार से फोन लगाते हैं। अबे तेरी तो। अरे छोड़ो इसे, वो गला दबा दिया। कौन? कालू? हाँ मौसा जी, चरणों में प्रणाम स्वीकारी है। अरे प्रणाम रे, कैसा है तू? अरे कहाँ बता, बहुत संकट में है। कहाँ बता रे? अरे हमने आपको बताया था ना, वो यहाँ पर मुझे फाइव स्टार का प्रॉब्लम चल रहा है। हाँ तो वो फाइव स्टार का मालिक जो है यहाँ पर बुलडोजर लेकर आया है हमारा ढाबा गिराने के लिए। अरे क्या बात करता है रे मुन्ना, अरे कोई तोरा ढाबा गिरा देगा पर हम दिल्ली में सरकार नहीं गिरा दूंगा। बात करता है, अरे कौन अफसर है? फोन दे दे ससुरा के। हम फोन धरा रहे हैं मौसा जी, आप इनसे बात कीजिए। बात कीजिए भाई, आप बात कीजिए। नहीं नहीं। हाँ मौसा जी, ये लोग फोन धरने के लिए परेशान हो रहा है, हमने स्पीकर ऑन किया हुआ है, आप इनको बोल दीजिए फोन पे। अफसर कान खोल के सुन ले, हम बोल रहा हूँ किंग माकर, अगर हमारा मुन्ना का ढाबा तोड़ दिया ना तो साला याद रख, हम तुम्हारा कुर्सी तोड़ दूंगा रे। नहीं नहीं, नहीं तोड़ेंगे। अरे मान रहा कि नहीं रे वो? अरे मानेगा कैसे नहीं, उसकी खोपड़िया से बहता हुआ पसीना साफ साफ कह रहा है कि ससुरा मान गवा है। अरे वो सेठ क्या बोलेगा, उसका तो खुद का फाइव स्टार का ऊपर का दो माला साला गैर कानूनी है, वो तो कोई नहीं तोड़ता। अरे हम तोड़ेंगे रे। ए अफसर, ये जो होटल के नीचे का दो फ्लोर है ना, वो जल्दी गिरा दो। चलो। अरे नीचे का माला गिराएंगे तो ऊपर के सारे माले गिर जाएगी साहब। हाँ तो ठीक है मौसा जी, ऊपर का ही दो गिरवा दीजिए। हाँ तो ऐसा करो, ऊपर का गिरा दो जल्दी। अच्छा मौसा जी, जा बजरंग बली तोड़ डालो, वरना मौसा जी को बोल डालेंगे। नहीं नहीं, वो तुमको फोड़ डालेंगे। नहीं नहीं, कहाँ समझते हो बिहार को? नहीं कुछ नहीं, मैं चाह रहा हूँ ना। अबे भास्कर, बुलडोजर का मुंह उस तरफ मोड़ दो, ऊपर के दो माले तोड़ने चलो। पहला वाला तोड़ो पहला। क्या सेठ जी, कैसी रही? वो तो बेटा आने वाला वक्त ही बताएगा कि कैसी रही। अब तक तो सिर्फ मजाक हो रहा था, लेकिन एक बात याद रखना, आज के बाद इस दुनिया में अगर कोई मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो तू है। तुझे मेरे दोस्त के बेटे से शादी नहीं करनी है, मत कर। तू रास्ते से किसी भिखारी को पकड़ ला, मेरे किसी दुश्मन को पकड़ ला, उसके साथ मैं तेरी शादी करा दूंगा, मगर इस मक्कार के साथ कभी नहीं, नेवर। और अगर आपने फिर भी इनकार कर दिया तो फिर जो तेरी मर्जी में है वो करना, मैं तुझसे कुछ नहीं कहूंगा। इट्स अ प्रॉमिस। पतंग लटका दिया है दीदी। शाबाश, ये ले ये रख, जो कुछ समझाया सब याद है। हाँ दीदी। वेरी गुड, मगर राजा तो अभी तक आया नहीं। आता ही होगा। चले छोटो, सामान उतार। चल, वो देखा गया, चल जा। लुटा रख ले। राजा भैया, राजा भैया, मेरी पतंग अटक गई, जरा उतार दो ना। अरे अपन भी लटके हुए यार, बहुत दिनों से पेड़ लड़ा रहा है, मगर पता नहीं सामने वाले की गुड्डी कब कटेगी। चल तेरी निकालते निकालते शायद अपनी भी निकल पड़े। तेरी पतंग तो मैं निकाल दूंगा यार, अपनी गोते खा रही, उसका क्या होगा? तेरे को ढील छोड़ना नहीं आता ना पतंग के अंदर, ढील छोड़ना नहीं आता, ढील छोड़ो साला लाइफ में। तू बन के चिड़िया। अरे दुश्मन बेबी, ये मेरा टांग तोड़ रहा था, इसे बच कर ना बेबी। ए चुप है।
मौज लहरा के हिरनी जैसी चलती है, पल में थोड़ा पल में मासा कितने रंग बदलती है। कुछ मलका के कुछ लहरा के हिरनी जैसी चलती है, पल में तोला पल में मासा कितने रंग बदलती है। जिसको चाहे पागल कर दे अपने हुस्न के जादू से, इसके लंबे लंबे काले काले नागिन से बाल रे, अखियों से गोली मारे लड़की कमाल रे, अखियों से गोली मारे। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। पिछली बार उस ढाबे वाले से आपने पंगा लिया तो हफ्ते भर तरह तरह के तेलों से मैंने मालिश की थी, इस बार पंगा लिया तो ये हालत हुई। उसने मेरे होटल के दो माले गिरा दिए, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। गरम मत हो, ये आप गरम होने से बर्फ पिघल जाती है, 30 किलो बर्फ खत्म हो गई है, 40 चल रहा है। मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अरे क्या हुआ डैडी? तबीयत ठीक नहीं है। आप नीचे चलिए, आपकी 2 मिनट में तबीयत ठीक करती हूँ। क्यों, कोई स्पेशली डॉक्टर लेकर आई है? डॉक्टर नहीं, आपका होने वाला दामाद आया है। ये दूसरा नया दामाद? दामाद नहीं, हुआ अखबार हुआ डेली चेंज। शट अप इडियट। डैडी चलिए ना, वो इंतजार कर रहे हैं नीचे। घर तो अच्छा है राजा, अब ये देखना है कि होने वाला ससुर कैसा है। हे भगवान, ये खड़ूसिया क्या कर रहा है? ये कौन है? मुझको देखकर उछल कर उस तरफ मुंह फिरा के बैठ गया। थोड़ा सा शर्मीला है, आपसे डरता है ना डैडी? डरने की क्या बात है, मैं कोई भूत हूँ, राक्षस हूँ, खा जाऊंगा उसको क्या? सेठ जी से पहले जो आया था ना, उसने आंखें छुपा रखी थी, उसकी आंखों में गड़बड़ थी, इसने मुंह छुपाया, कहीं इसके मुंह पे लाना तो नहीं? अरे नहीं यार, एक लगा जरा मर्दों की तरह अपना चेहरा दिखाना तो भाई। देखिए, अगर आप मुझे देख लेंगे तो आपकी जिंदगी में तूफान आ जाएगा, आप हिल जाएंगे, आपके पैरों के नीचे जमीन निकल जाएगी। ऐसा कौन सा खूबसूरती का भंडार तुम्हारे चेहरे पर रखा जिसको देख के मैं हिल जाऊंगा? अपना चेहरा दिखा। देखिए, बच्चों ने कहा कि अच्छे बुजुर्ग जिद नहीं करते। अरे बच्चों की ऐसी के तैसी, तुम अपना चेहरा दिखाते हो या उड़ के तुम्हारा हाथ खींच लूं मैं? चेहरा दिखाओ। वैसे मैं चाहता तो नहीं था, मगर फिर भी आप इतनी जिद कर रहे हैं तो लीजिए, पेशे खिदमत है ये। डैडी, डैडी, अरे क्या हो गया इन्हें, क्या हो गया,
कोई डॉक्टर को बुलाओ। अरे फायर ब्रिगेड बुलाओ, दोस्तों को बुलाओ, रिश्तेदारों को बुलाओ, अरे गाने वालों को बुलाओ, रोने वालों को बुलाओ। उल्टी सीधी फालतू बात करता है बेवकूफ। बाकी हाँ, इनको कहीं मिर्गी की बीमारी तो नहीं है? मिर्गी? अरे हाँ, अरे जूता सुंघाओ, सड़ा हुआ प्याज सुंघाओ। मिनट में सुंघाता हूँ जूता। सेठ जी जूता सुंघिए और होश में आइए। सेठ जी अब इनको सड़ा हुआ प्याज सुंघाओ या फटा हुआ जूता, होश तो इनको इंटरवल के बाद ही आएगा। अरे कहाँ हो तुम अजी, कहाँ हो? अरे बाथरूम में तो आराम से बैठने दो ना। जल्दी आइए, बाहर आइए, हम लूट गए, बर्बाद हो गए। जल्दी आइए ना, जल्दी बाहर आइए। कौन सी मुसीबत आ गई, कौन सा भोचाल आ गया? किरण भाग गई है घर से। देखिए पढ़िए, ये सब आपकी जिद का नतीजा है। डैडी, मैंने और राजा ने शादी करने का फैसला कर लिया है। आज शाम 5 बजे बाकी के घर पे हम दोनों शादी कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता, चलो अपनी पहन तो पहन लीजिए। अरे पहन को मारो गोली, मेरी इज्जत उतरी जा रही है, ये भी गिर जाएगा। चलो सुनिए, ओम श्री मंगल मांगल्य शिव स्वाद साधि के शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप खड़े होकर फेरे लीजिए, पकड़ो। ओम मंगलम भगवान। ये शादी नहीं हो सकती, बंद करो। यमदूत आ गया। भागे भागे, रोक इसको, रोक इसको, भागे। कोई बात, कोई बात नहीं, आप लगे रहो, मैं बुढ़ों को देखता हूँ, आने दो। ये टावल छोड़ दिया? आप जिद छोड़ दो, मैं टावल छोड़ दूंगा। अरे पंडित जी, ये 420 है, ये मकारी है, जालसाजी है, ये शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हो रही है। अरे इसकी बातें मत सुनो, तुम लोग घूमते रहो, पागल हो जाएगा। ए पंडित, अरे बंद करो यार। चली करो पंडित जी, हो गया हो गया, टावल मत छोड़ना बे, टावल मत छोड़ना। विवाह संपूर्ण हुआ। क्या बात करे, हो गया? अब आप दोनों पति पत्नी हो गए। अरे ऐसे कैसे पति पत्नी हो गए, कन्यादान तो हुआ नहीं। कन्यादान मैंने किया सेठ जी। अब आप दोनों जाकर आशीर्वाद लीजिए। पहले आप जाइए ना, मुझे बहुत शर्म आती है। नहीं, मैं इस फुटबॉल प्लेयर का आशीर्वाद नहीं लूंगा। जाइए ना। अच्छा तुम कहती हो तो मैं डेटिंग करता हूँ। ससुर जी, सासू जी, देखिए जो कुछ भी हो उसके लिए मैं शर्मिंदा नहीं हूँ। ठहरो, ये शादी नहीं हो सकती, बंद करो। मुबारक हो सजानी जी, मुबारक हो। अबे किस बात की मुबारकबाद, एक तो मेरे दुश्मन से मेरी बेटी की शादी करा दी, ऊपर से मुबारकबाद दे रहा है। शादी मैंने? हाँ तूने, अगर तूने मेरा टॉवल ना पकड़ा होता तो मैं एक फेरा ना होने देता, ऊपर से तूने मेरी बेटी का कन्यादान कर दिया, तू होता कौन है बे? कन्यादान? मैं खुद लोगों से दान मांगता फिरता हूँ, मैं कहाँ से कन्यादान करूंगा? सेठानी जी आपके भाग फूट गए, सेठ जी तो सरक गए, डॉक्टर को बुलाइए, चेकअप कराइए, मुझे टेंशन हो रही है। मैं मारूंगा इसको, बहुत मारूंगा। ठीक ही तो कह रहा है ये, आप क्या अनाप शनाप बोल रहे हैं, कैसी शादी, किसकी शादी, जरूर आपने कोई सपना देखा। अरे काय का सपना, इसने मेरा टॉवल पकड़ा। मेरा टॉवल किधर है? मेरा टॉवल किधर है? कौन सा टॉवल? मेरा टॉवल किधर है? मेरे पास रुमाल नहीं, टॉवल कहां से लाऊं? अरे हां, मैं सपना देख रहा था, किरण बेटी की शादी नहीं हुई। अरे किरण बेटी की शादी नहीं हुई, मेरे कपड़े में वो, ये देखो सब कुछ वही है जी। न जाने आप क्यों बेहोश हो गए थे। मैं क्यों बेहोश हो गया था? मालूम नहीं सेठ जी, लेकिन आपको होश में लाने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया। सड़े हुए प्याज सुंघाए, माली की गंदी बनियान सुंघाई, बदबूदार जूते सुंघाए, देखो जूतों में ढेर लगा हुआ है, जूते बेहोश हो गए, फिर भी आप होश में नहीं आए। उसके बाद मैंने अपने ये सॉक्स सुंघाया, तब होश में आया। इसको जेब में रख, इसकी सड़ी में बदबू सुंघे, मैं सपने से बाहर आ गया। होश में तो आया, होश में। किरण बेटी कहाँ? वो अपनी सहेलियों के साथ फार्म हाउस गई है। सहेलियों के साथ कहाँ गई होगी? जरूर ढाबे वाले के साथ गई होगी। मुझे बहुत गड़बड़ लगती है सेठ जी, आप उसको संभालिए, वरना मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। अबे बेटी मेरी है, तू कैसे मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा? जब आपका मुंह काला होगा तो मेरा नहीं होगा। हेलो, राजा ढाबे वाला स्पीकिंग। पूरे शहर में डाका डालने के लिए तुझे मेरा ही घर मिला था क्या? मेरे बुजुर्गों ने कहा है कि डाकुओं के घर डाका नहीं डालते। अच्छा, क्या बोला, डाकू? नहीं मेरा मतलब सेठ जी, आपने मुझे याद कैसे किया? तू एक काम कर, जितनी जल्दी हो सके मेरे घर पहुंच। तू क्या करते सेठ जी, बारात वारात लाने में टाइम तो लगता है ना। अबे तेरी बारात तो मैं निकालूंगा, तू अकेले पहुंच पहले। अच्छा समझ गया, बारात से पहले लेन देन की बात करनी है, अभी आता हूँ। अबे आपको नहीं बोल रहा हूँ, छोटू ऑटो ला। Enjoy yourself, girls. Yeah. ए शाने, रस्ते के बीच में बोतल फोड़ता है, पागल है क्या? शाने, क्या करता है यार तू, क्या करता है?
तू सिंगल फसली है। लेकिन साहब, अरे चुप रहे यार, ये फाइटर असली है, तू क्यों इसके साथ भिड़ रहा था? मरना है क्या तेरे को? मरना है? अरे ये क्या तगड़ी चीज है, ये क्या बॉम्ब है, मालूम है तेरे को ये क्या है? मालूम है? समझा इसको। अरे इसको लगेगी भी नहीं, जितना तू अगर इसको मारेगा ना उतनी तेरे को लगेगी। तेरे को देखने का लगी नहीं लगेगी, और देखने का तेरे को, और देखने का ये धा, ये धा, ये धा, ये धा, देख नहीं लगी। अच्छा अभी देगा, अभी मैं इसको लात मारूंगा, ऐसी दवा का लात मारूंगा इसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, इसको नहीं लगेगी यार ये। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है भाई। अगर मैं इतना बड़ा पत्थर उठा के इसके सिर पे ऐसे पटक दूंगा ना तो भी इसको कुछ नहीं होने वाला है। देखने का तेरे को, देखने का क्या समझ गया वो? नहीं नहीं तू बोल। समझ गया पागल आदमी यार, किसके मुंह लग रहा है यार, तू समझा नहीं इसे। अब जाइए भाई साहब, आपकी बहन आपका इंतजार करिए, अपन लोग भी चले चले चले। ये मेरी बहन नहीं है, वो आपकी गर्लफ्रेंड है। सॉरी यार, दिल पे मत लेना भाई, चल 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 रहे, निकल तू पागल। अच्छा हो गया, हो गया तुम। अरे निकल, तेरे को मालूम नहीं कितना बड़ा आदमी है। अच्छा भाई सॉरी, हाँ माफ करना, ये लल्लू है साला। हंस क्यों रहा है तू? चूने लगा के चला गया ना धुलाई करके। तुझे कैसे मालूम? पिछले हफ्ते मेरे में तो धुलाई की थी उसने। हाँ, तो पहले क्यों नहीं बताया? वो मारता था ना मेरे को फिर से। अरे सेठ जी, वो 100 रुपए का छुट्टा है क्या? हाँ? नहीं वो 20 रुपए। सिर्फ 20 रुपए? अरे सुनना, इधर ना, वो बाहर एक रिक्शा वाला खड़ा, उसको 10 रुपए देना, 10 रुपए खुटी रख लेना। हाँ बोली, क्या बात थी, किस लिए बुलाया था मुझे? बैठो। नहीं यहाँ बैठ। क्यों यहाँ बम रखा है क्या? अच्छा यहाँ बैठ जाओ। अच्छा बैठिए बैठिए। हाँ जरा जल्दी बोलिए, धंधे का टाइम है क्या? आज मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है कि मैं तुम्हारा ढाबा नहीं तोड़ूंगा। वो तो ऐसे भी नहीं तोड़ सकते थे, इसमें सोचा क्या? देखो मेरी पोजीशन और तुम्हारी औकात के बीच में जो बहुत बड़ा फासला है, वो समझाने के लिए मैंने तुमको यहाँ बुलाया है। आपकी पोजीशन और मेरी औकात में जो बहुत बड़ा फासला है, वो तो आते ही मैंने देख लिया। देखिए मेरे पास ये 100 का नोट था, आपके पास 20 का नोट था, 80 रुपए का फासला है। आज मैं बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूँ, मगर मुझे तो आपको देखते ही मजाक सूझता है। सेठ जी एक बात जरा ठंडे दिमाग से सोचिए कि अगर आपकी बेटी की और मेरी शादी हो गई तो ये आपका होटल है और ये मेरा ढाबा है, ये लड़की का ससुराल है, ये लड़की का मायका है, लड़की फुदक के कभी ससुराल में कभी फुदक के मायके में, दिन भर फुदकती रहेगी। एक लड़की है, अगर हस्ती खेलती रहेगी तो आपका जाता। आज तुम्हारी हैसियत और मेरी औकात के बीच में कितना बड़ा फासला है वो मैं दिखाता हूँ तुमको। चलो मेरे साथ, कम ऑन। ये देख औकात दिखाऊं, ये मेरी बेटी के कपड़े, जिस कपड़े को एक बार पहनी थी दोबारा उसको हाथ नहीं लगाती है, और देख मेरी बेटी के जूते, जिस जूते को एक बार पहनी थी दोबारा उसमें पैर नहीं डालती है, और देख चल उधर, ये देख, और ये सब मेरी बेटी के परफ्यूम्स हैं, ये सब पेरिस से आते हैं, और ये देख ये ज्वेलरी कीमत सुना है इनकी 5 लाख 10 लाख 15 लाख, और ये करोड़ों की ज्वेलरी, एक एक सेट 50-50 लाख का है, ये देख कपड़े में नहीं देखा होगा तूने, ये देख ये सब मैं अपनी बेटी को देने वाला हूँ। तेरे पास क्या है? मेरे पास ढाबा है ना, और फिर आपके बाद ये सब मेरा ही हो जाएगा। एक लाफा मारूंगा खींच के, तो ये बक्से का वजन नहीं उठा सकता है, मेरी बेटी को क्या खाक संभालेगा? अरे उठाने के लिए तो मैं आपको भी उठा सकता हूँ, लेकिन मेरा फिलहाल ऐसा कोई मूड नहीं है। और बाकी बात, ये जेवर मुझे मत दिखाना सेठ जी, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं कह रहा गरीब आदमी। हाँ ये बैग की बात करोगे तो इस बैग को तो मैं उठा ही सकता हूँ, और उठाने के साथ साथ इसको लेकर भाग भी सकता हूँ। ए चोर, ए पकड़ो, अबे ले ले ले, अरे मेरी चाचू जी, मेरी चाचू जी, प्यारी प्यारी चाचू जी, मेरी चाचू जी। अरे तुम क्या पूरी खेल रही हो, पकड़ो चोर। अरे उधर, अच्छा पकड़ो, ए चोर पकड़ो पकड़ो। कैसी खाली है? हाँ खाली है। वो आदमी मेरा लाखों का माल लेके भाग रहा, पीछा कर। अभी लो जी। अरे क्या दरवाजा है यार। ए! अबे पीछा तो मुझको करना, तू खाली है? खाली है? हाँ साहब। एक मिनट नहीं तो तू भाग जाएगा। वो आदमी है ना मेरा लाखों का माल लेके भाग रहा है, उसका पीछा करो। हाँ ठीक है। हा? ये मुंबई की पब्लिक को हो क्या गया? वो गाड़ी लेके भाग गया, ये खुद भाग गया। अबे
ए, कौन हो तुम? अंदर कैसे घुसा है? सर, इस बैग को जब्त कर लीजिए सर, इसमें करोड़ों रुपए के हीरे जेवरात हैं। क्या? हाँ, लेकिन ये जेवरात तुम्हारे पास आए कहाँ से? सर, ये किसी के पास दो नंबर का माल पड़ा हुआ था, उसके हाथ से बहुत मुश्किल से छीन कर लाया हूँ सर। वो मेरे पीछे पीछे भाग कर आ रहा होगा सर। यहाँ क्या सर? ए, मिस्टर, इसी के ये माल तुम्हारा है? नहीं, मेरा नहीं है। मैं ऊपर जा रहा था, नीचे आ गया, मेरा नहीं है। अरे क्या ऊपर नीचे कर रहा है, झूठ बोल रहा है सर, इसी का है ये माल। वेल डन यंग मैन, तुमने सरकार की मदद की है। थैंक यू। इसके लिए तुम्हें इनाम मिलेगा। कितने? 10%। अरे निकल पड़ी। अपना नाम और पता यहाँ लिखवा दीजिए। अरे पूरे खानदान का नाम लिखा दूंगा मैं। एक मिनट। हेलो, हाँ जरा वहां से शर्मा जी और शशि सिन्हा को भेज दीजिए। रेड्डी जी, आप तो बेचारे रोड पे आ गए। अच्छा, मुंह में जबान भी नहीं रही। रेड्डी जी, मेरी एक बात सुनिए ठंडे दिमाग से। देखिए, अब तो आपके और मेरे औकात में जो बहुत बड़ा फासला था, वो 90% तो खत्म हो गया। अब तो आप भी नंगे, हम भी नंगे, कर दो कन्यादान और नहाओ गंगे। तेरी तो मेरा जूता। सेठ जी आइए, सेठ जी क्या खाएंगे? ये जूता। सेठ जी को जूता खिलाओ। अबे जूता खिलाओ नहीं, उतार के दे, मेरा जूता लटका के रखा है तूने। देखिए सेठ जी, लोग अपनी दुकान चलाने के लिए घोड़े की नाल लगाते हैं, मैंने आपका जूता लगा दिया। और जब से जूता लगाया, मेरा धंधा इतना अच्छा चल रहा है ना कि मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं जूता नहीं दूंगा, मेरे से होगा नहीं। अबे बिना पेंडी के लोटे तू इधर क्या कर रहा है? इधर खाना खाने आया था। अबे तू मेरे होटल का मैनेजर है, खाना इधर खाता है? क्या है कि मेरी तनख्वाह तो आपके यहाँ खाने पीने में चली जाती है, बचता क्या? आप सोचिए मेरे फ्यूचर का क्या होगा। फ्यूचर? अरे ये गोरा, ये मेरे होटल में रहता, खाना इधर खा रहा है। सिर्फ गोरा ही नहीं, ये काला, वो पतला, वो मोटा, ये सारे अपने होटल में रहते हैं, लेकिन खाने यहाँ आ जाते हैं। क्यों? मेरा खाना क्या सड़ा हुआ है? इनके पेट में दर्द होने लगता है। यहाँ से आपका खाना 4 गुना महंगा है, ऊपर से सेल टैक्स, मेल टैक्स, ये टैक्स। ऊपर से मेरे होटल में जो खाए एक बार, वो आए यहाँ बार बार। अबे तू उसकी तरफ है कि मेरी तरफ है? मैं तो आपकी तरफ। ये कैसा मेरी तरफ है? उंगली उसकी तरफ है, लेकिन दिल आपकी तरफ है। मैंने आपका नमक खाया है, अभी तो मेरे से मार भी खाएगा। सटिया गए हैं आप। कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये ढाबे वाला बहुत परेशान कर रहा है, इसको रास्ते पे लाना पड़ेगा। जी, मुझे कहाँ लेकर आ गए आप? बताता हूँ, ये पर्ट बोर्ड। वेरी गुड, भेज दो होटल, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अबे ये बोर्ड मेरा नहीं है, मेरा बोर्ड ये। अरे बाप रे, महाराजा इंटरनेशनल का नया रेट। ये क्या, चिकन मसाला 175 का 25 रुपीस, और राइस 120 का 20 रुपए, तंदूरी फिश 100 रुपए का 100 रुपए, और ये क्या, एक बियर के साथ कैबरे मुफ्त। क्या कर रहे हैं आप, बर्बाद हो जाएंगे आप। उस ढाबे वाले को जड़ से उखाड़ने के लिए मैं कुछ दिनों के लिए बर्बाद होने को तैयार हूँ, मानता है मेरे दिमाग की स्कीम को? अब उस ढाबे पे कौवे भी नहीं बोलेंगे। अरे रे 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 रे, तुम सब लोग यहाँ बैठकर क्या खाना खा रहे हो? उधर वो 5-स्टार होटल में 20 रुपए में पेट भर के खाना, साथ में बियर और कैबरे भी फ्री में। क्या उठो, आप सच कह रहे? हाँ, चल के चलो भाई, चल के देखते हैं। आओ जल्दी आओ, जल्दी चलो यार, 20 रुपए में इतनी सारी। अरे आप लोग कहाँ भागे जा रहे हैं भैया? अरे अरे छोटू, कहाँ हुआ, कहाँ जा रहे हैं ये लोग? आए, अरे राजा भैया, उस चटवा का देखो, अपने होटल माँ खाना का दाम गिराए के, और होटल माँ कैबरे डांस का प्रोग्राम जमाए के, ये अपने ढाबा के गिरावे का पूरा बंदोबस्त कर लिया है। ओहो, यानी के बुढ़ा चाल पे चाल चला जा रहा है। हाँ, बिच्छू का मंत्र मालूम नहीं और साहब के बिल में हाथ डाल रहा है। हेलो, केके स्पीकिंग। सेठ जी, कमाल हो गया, कमाल हो गया। अरे आपके दुश्मन का धंधा ऐसे साफ हो गया जैसे मुंडन के बाद सर के बाल साफ हो जाते हैं। अरे ये तो कुछ भी नहीं, शाम तक देखना उसका ढाबा भी साफ हो जाएगा। और तू एक काम कर, कल रात की एक ट्रेन की टिकट मंगवा के रखना। सेठ जी, क्या आप गाँव जा रहे हैं? अबे उल्लू के पट्टे, मैं नहीं जा रहा हूँ, वो ढाबे वाले को भेज रहा हूँ। दुश्मन के गले में अपनी जीत का और उसकी हार का हार पहना कर रवाना करूंगा। बस मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। हाँ, आ,
क्यों बाके? क्या हाल है दुश्मनों का? दुश्मन का हाल छोड़िए, अपनी जेब से रुमाल निकाल लीजिए। क्यों? आंसू पोंछने के लिए रुमाल तो क्या, चादर भी छोटी पड़ सकती है आपको। क्या बकवास करता है? वो देखिए, ये इतनी भीड़ क्या की यार, लोग लाइन लगा के क्यों खड़े? जो लोग बैठे खा रहे हैं ना, ये उठेंगे तब इनका नंबर लगेगा, ये खा के उठेंगे तो औरों का नंबर लगेगा। सारी कहानी उल्टी पड़ गई सेठ जी, ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन निकला है। वो कैसे? आइए आपको बताता हूँ। इधर चलिए, आपको पढ़ना लिखना तो आता है ना? तो पढ़िए। भाइयों और बहनों, आओ पेट भर के खाओ, जब जी में आए चुकाओ, नहीं तो मत चुकाओ। जय हिंद। जय हिंद। ये रही ट्रेन की टिकट। अबे उल्लू के पटे, जब तुझे पता है कि उल्टी गंगा बह चुकी, तो फिर उसके लिए ट्रेन की टिकट लाने की क्या जरूरत है? इसकी ट्रेन की टिकट नहीं, आपके गांव की टिकट, अलीबाग की। हाँ? क्या बोला? जनाब कहाँ है, बुलाओ मेरे दुश्मन को। सेठ जी, इसे कहते हैं कबूतर चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। अबे कबूतर नहीं कौवा, कम से कम मिसाल तो ठीक से दिया कर। अभी आपको मिसाल के अंदर घुसने की क्या जरूरत है? वही तो मैं बोल रहा हूँ। खैर 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 खैर, मेरा ढाबा हटाने के लिए आप साम दाम दंड भेद सारे प्रयोग अपना चुके, लेकिन आप नाकामयाब रहे। अगर वाकई आपको मेरा ढाबा हटाना है तो एक चांस मैं आपको देता हूँ, आपको मेरे साथ मुकाबला करना पड़ेगा। काय का मुकाबला? गाने बजाने का। अगर आप जीत गए तो मैं ढाबा हटा दूंगा, अगर मैं जीत गया तो आपको अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देना पड़ेगा। मुझे मंजूर है। अरे मेरी निकल पड़ी। सेठ जी, बिना सोचे समझे आपने हाँ बोल दिया, गाना बजाना आपका काम है। अबे तेरे को नहीं मालूम, इसको भी नहीं मालूम। क्या? मैं खानदानी मीरासी हूँ, होटल से पहले हमारा यही सब तो काम था। मेरे को पहले से शक था, माँ कसम, लेकिन दिल मानता नहीं था। सड़क पे थोड़ी गाता बजाता था, खानदानी मतलब रजवाड़ों के यहाँ गाता बजाता था, मगर एक चीज में बहुत कमजोर हूँ। क्या? शायरी नहीं आती। अरे उसकी फिक्र मत कीजिए सेठ जी, मैं भी सड़क छाप शायर हूँ। शायरी की टांग तोड़कर आपको पेपर पे लिख कर देता रहूंगा, बस आप सुर ताल संभालिए। बस खुशबू शबाब रंग रवानी उठा किला, कहते हैं उम्र रफ्ता कभी लौटती नहीं, जा मैं कदे से मेरी जवानी उठा किला। अरे गुजरा हुआ जमाना कभी लौटता नहीं, शायद कभी भी इसने देखा ना, सठिया गया है इसको कुछ सूझता नहीं। अरे बुढ़ाओ
हो तो दौलत नहीं देखी जाती, सीरत अच्छी हो तो सूरत नहीं देखी जाती। इतना बता दो इस बेखबर सौदागर को, होटल नहीं होता न मैं होता तो ये ढाबा नहीं होता, न ये होटल होता न ढाबा होता, न ये रगड़ा होता न झगड़ा होता। बुझाना मुझे छोटी मोटी पहेली, बुझाना मुझे समझना भी एक समझ है, समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। ना समझ ना समझ ना समझ मुझे, अरे ना समझ ना समझ ना समझ मुझे, मेरी समझ तो तेरी समझ की समझ से बाहर है, बाहर है, मेरी समझ तो तेरी समझ की समझ से बाहर है। मैंने दिल दिया उनको प्यार की हद थी, मैंने जान दी उनको एतबार की हद थी, मरने के बाद भी खुली रही आंखें, ये मेरे इंतजार की हद थी, ये मेरे इंतजार की हद थी। डॉक्टर ने कहा है कि दो दिन में आपका प्लास्टर उतर जाएगा, फिर तो आप भरतनाट्यम धूमधाम से कर सकते हैं। यह पर ऊपर क्या देख रहे हैं? अयो बेबी, हम जमीन पे हाथी घोड़ा से लड़ सकता है, वो चौकरा से नहीं। वो चौकरा दो बार हम पर गिर के टांग काला मिला है जी। अब वो चौकरा हमको मिलेगा ना, हम उसका टांग काला मिलाएंगे। आप ही कैसी बातें करते हैं मास्टर जी। टूट गया, पकड़ो इन कमीनों को, हरा भी लोग। मेरा दूसरा टांग भी टूट गया अम्मा।
सुनिए अजय, उठिए ना, उठिए ना अजय, उठिए, उठिए ना, उठिए। अरे क्या है, बाढ़ आ गई, इनकम टैक्स की रेट बढ़ गई, क्या मुसीबत है? रात के 2 बजे है और किरण अभी तक नहीं आई है। अरे आ जाएगी, सो जाओ। कमाल है, बेटी रात भर लापता है और बाप खराके भरी नींद सो रहा है। इस बाप बेटी में झगड़ा नहीं होता, इसका मतलब ये तो नहीं कि बाप बेटी से इस तरह मुंह मोड़ ले। अरे मैंने मुंह नहीं मोड़ा भाग्यवान, मैं अपनी बेटी को तुमसे ज्यादा प्यार करता हूँ। ये कैसा प्यार है जी? अब लगता है भांडा फोड़ना पड़ेगा। सुना, एक बात बताता हूँ, बहुत रात की बात है, किसी को बोलना नहीं। कान लो, मैंने है ना अपनी बेटी को खुद किडनैप करवा लिया है। क्या? आपने किडनैप करवाया? पर क्यों? उस लुच्चे लफंगे ढाबे वाले के चुंगल से छुड़ाने के लिए। वो मेरा दामाद बनकर मेरे मुंह में जूता मारना चाहता था, मैंने जूता ही छुपा लिया। ये क्या उठपटांग काम कर दिया आपने? उठपटांग नहीं, अपनी टांग को ऊपर रखने का यही एक तरीका था। अपनी इज्जत के लिए मैं खुद को किडनैप करवा सकता हूँ, तुमको उठवा सकता हूँ, क्योंकि घर के आंगन से अगर एक मरतबा इज्जत चली जाए तो कभी लौट के वापस नहीं आती। नाक काट के रख देती है और मुझे अपने नाक से बहुत ज्यादा प्यार है, इसलिए मैंने अपनी बेटी को किडनैप करवा लिया। बताइए ना कहाँ है वो? अच्छा बता दूं? हाँ। एक बात बताओ, तुम मेरी तरफ हो कि उसकी तरफ? आपकी तरफ। ये कैसा मेरी तरफ है? अपनी बेटी जहाँ भी है ना बहुत आराम से, इसलिए तुम भी आराम से सो जाओ और मुझे भी सोने दो, मुझे कस के खराटे आ रहे हैं। तू छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ। किरण, कौन है? 100 रुपए की छुट्टी है? अबे तू हमेशा यही 100 रुपए लेके घूमता, छुट्टी नहीं कराया अभी तक? क्या है कि मेरा रिश्ता इतने बड़े घर में होने जा रहा है तो मैंने आजकल ये छुट्टी वुट्टी रखने बंद कर दी। अपना मुंह कभी आईने में देखा है? देखा है, बहुत अच्छा है, आपकी लड़की को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए उसको मेरे साथ वो हो गया है। और बहुत जल्दी हम लोग अपना वो करके अपना वो बसा लेंगे और आप वो देखते रह जाएंगे। वो क्या? इसे कहते हैं बिल्ली के ख्वाब में छीचड़े और सांप के ख्वाब में अंडे। अच्छा, आप अपने ख्वाब में अंडे देखते हैं? नहीं, मैं तुझको देखता रहता हूँ। मैं तो वो अंडा हूँ, जब फूटूंगा तो आपको बहुत तकलीफ होगी। तू यहाँ से जाता है कि नहीं? अरे खैर, मैंने बहुत दिनों का मैंने अपनी धर्म पत्नी को, होने वाले मतलब के धर्म पत्नी को नहीं देखा। किरण, किरण, वो तुझसे नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? बहुत दूर जा चुकी है। कहाँ जा चुकी? वो नहीं बताऊंगा। अरे वो मैं पता लगा लूंगा। 7 जन्म में नहीं लगा सकता। अरे मैं ऊपर वाले से 8वां जन्म उधार लेकर पैदा हो जाऊं? 10 जन्म ले ले, अगर तू उसका पता लगा ले तो मैं तुझे मर्द का बच्चा मान जाऊं। अगर ऐसी बात है ना सेठ जी, तो मेरा भी नाम राजा नहीं। अगर 24 घंटे के अंदर आप ही के मुंह से किरण का पता ना उगलवा लूं, बाहर जाके कर, इधर ही हॉल में करूंगा। सेठ जी, ये जूता भी लटका। राजा भैया, आपने चैलेंज तो कर दिया, 24 घंटे में किरण को ढूंढ निकालेंगे, लेकिन कैसे? सोच रहा है यार, कैसे सोच रहे दो? क्या बात है, क्या बात है सेठ जी, आज तो आप ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे पहली बरसात में मेंढक और कछुए खुश होते हैं। उल्लू के पट्टे, अबे किसी की तारीफ करते तो मिसाल तो अच्छी देनी चाहिए। मैं कछुआ हूँ, मेंढक हूँ, क्या है? बहुत खुश नजर आ रहे हैं, बात क्या है? अरे खुश क्यों नहीं होगा, आज मेरा दुश्मन मेरी बेटी को ढूंढ नहीं पाया होगा, हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से आउट हो जाएगा। वो बबूल का कांटा है, इतनी आसानी से आउट नहीं होगा। एक बात बता, तू मेरा मैनेजर है, मुझसे पकड़ लेता है, तू मेरी तरफ है कि उसकी तरफ है? मैं तो आपकी तरफ हूँ। ये कैसा मेरी तरफ? नहीं नहीं, आप समझे नहीं। अच्छा मैं नहीं समझा। मेरा मतलब है वो बालों में चिपके चिंगम की तरह है, जब चिंगम बालों में चिपकता है तो उतनी जगह के बाल काटने पड़ते हैं, लेकिन चिंगम अपनी जगह नहीं छोड़ता। अबे जगह तो क्या, मैं तो शहर छोड़वा दूंगा। हंसता क्या है? मैं शहर तो क्या, मैं ये घर छोड़ने को तैयार नहीं हूँ सेठ जी। ये आने वाला वक्त ही बताएगा, 24 घंटे गुजरने वाले हैं, उसके बाद तेरी हार और मेरी जीत। मैं इतनी आसानी से नहीं हारने वाला हूँ सेठ जी। तो क्या भरतनाट्यम भांगड़ा करके हारेगा? वो तो पता नहीं, मगर आपसे तांडव और कुचिपुड़ी जरूर करवाऊंगा। इंस्पेक्टर अजगर सिंह रिपोर्टिंग। इंस्पेक्टर अजगर सिंह, अच्छा हुआ आप आ गए सर। अरेस्ट? मैं इसको नहीं, आपको अरेस्ट करने के लिए आया हूँ। मुझे किस जुर्म में? इन्होंने कंप्लेंट लिखवाई है कि आपने अपनी बेटी का मर्डर किया है, खून। नहीं नहीं सर, ये झूठ बोल रहा हूँ। कानूनी तौर पर हमें आपके घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। सिपाही, दीवारें खोद डालो, सोफे फाड़ डालो,
कारपेट उधेड़ डालो, झूमर नीचे गिरा दो, और फिर भी अगर लाश नहीं मिले तो बाहर बुलडोजर खड़ा है, इस मकान पे चला डालो। अरे ऐसा कैसे? अरे अरे आप पुलिस वाले हैं कि इनकम टैक्स वाले खड़कू खड़कू कर क्या कर रहे हैं इस तरीके के? क्राइम ब्रांच से हमको खबर मिली है कि आपने इनकी अनारकली को अपने घर की किसी दीवार या खंभे में चुनवा दिया है। अनारकली टूट जाएगा यार। अनारकली सर, ये रे गोलास लाश। अरे किरण, किरण, अरे इस कमीने बाप ने अपनी फूल जैसी बच्ची को मार डाल। नहीं नहीं, ये सब झूठ है, ये हो ही नहीं सकता है। तुम बाप ने जल्लाद हो। अबे काहे को नाटक कर रहा है यार, ये खून मैंने किया ही नहीं है। अरे चूड़ीदार मेरे किरण को, चूड़ीदार ये हाथों की चूड़ी वही रहे। अरे क्या खिला दिया, लड़की काली पड़ गई। लड़की काली मतलब जहर। मिस्टर केके, यू आर अंडर अरेस्ट। आपको कम से कम 14 बरस की सजा होगी या सजा है मौत। अरे यार कैसे हो सकता है, ये मेरी बेटी किरण है ही नहीं। अरे लेकिन है तो है कैसे? इसलिए कि ये हो ही नहीं सकती है। अरे लेकिन है तो हो कैसे? इसलिए कि किरण ये आ ही नहीं सकती है। अरे आ गई है तो आ कैसे नहीं सकती? इसलिए कि मैंने उसको कैद करके रखा हुआ है। अरे छुट्टी है तो कैद कैसे रही? अरे मैंने उसको अपने पुराने बंगले में कैद करके रखा हुआ है। ये झूठ बोलता है, इसका एक ही बंगला, इसका दूसरा कोई बंगला? अरे बाबा मेरे पास खटाला में लाल डिग्री के बाद दूसरा बंगला है। थैंक यू, 24 घंटे में पता लगाना था, लगा लिया। मेरे पैसे? मेरे पैसे? कैसे पैसे? 500 रुपया। नाटक करने का? ये नाटक करी थी मेरे साथ यार, तुम लोग कर दे। किधर गई ये लड़की? चली गई। लड़की चली गई, फोन आ गया। फोन? हेलो बिल्ली, यहाँ को चूहा नहीं है, हट। हेलो, हाँ बिल्ली, मैं के कल सुबह। अच्छा, ओके, वेरी गुड, थैंक यू। अब देखना मैं उस ढाबे वाले की कैसे छुट्टी करता हूँ। कल सुबह मेरा दोस्त अमेरिका से यहाँ लैंड कर रहा है। और बोल रहे हो, अमेरिका से लेकर यहाँ तक सफर कैसा रहा? अरे यार, तुम्हें मिलने की खुशी में पता ही नहीं चला कि अमेरिका से लंदन और लंदन से यहाँ कैसे पहुंच गए। अंकल, आपकी डॉटर किरण हमें एयरपोर्ट पर रिसीव करने क्यों नहीं आई? बेटे क्या है, हिंदुस्तानी लड़कियां जो है ना वो शर्मीली होती हैं, इसीलिए शादी से पहले अपने होने वाले हस्बैंड से नहीं मिलती हैं वो। ओह आई सी, बट यू डोंट वरी अंकल, एक बार उसकी हमारे साथ शादी हो गई ना तो हम उसको अमेरिका ले जाके इतना मॉडर्न बना देगा कि वो हमारे साथ खुल्ला खुल्ला रोमांस करेगी। अंकल वो देखो। ए सरजी, कैसे चिपक चिपक के बैठे हैं, बीच में से हवा भी पास नहीं हो रही है। नो एयर इज पासिंग। अरे के तू क्यों शर्मा रहा है यार? अरे अब लड़का लड़की ऐसी बेशर्मी कर रहे हो तो अपने जैसों को तो शर्माना ही पड़ता है ना। किरण, किरण, ओहो क्या बात है, आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? अरे आप तो एयरपोर्ट गए थे अपने दोस्त को लाने, कहाँ है वो? उनको मैं होटल में छोड़ के आया हूँ, ये लड़की मुझे चैन से जीने नहीं देगी। कहाँ है वो? वो अपने कमरे में है। डैडी मैं शादी करूंगी तो सिर्फ राजा से करूंगी, नहीं तो मैं। सुनो मेरी बात, उस भिखारी से तुम्हारी शादी इस जन्म में तो क्या किसी जन्म में नहीं हो सकती है। तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ मेरे दोस्त के बेटे मैक के साथ, और अगर तुमने मेरे फैसले के खिलाफ जाने की कोशिश की तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बेटी हो। कल तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी है और वहां मैं तुम्हारी एंगेजमेंट का ऐलान करने वाला हूं, और अगर तुमने उस पार्टी में कोई गड़बड़ करने की कोशिश की, याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। थैंक यू डैड। पहली बात, मेरा होने वाला फादर इन लॉ तो आपसे भी ज्यादा पैसे वाला लगता है। इडियट, ऐसी बेवकूफी की बातें मत किया करो। डोंट वरी डैड, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्या? मैं घर जमाई बन जाता हूँ। शट अप। क्या हाल है बलदेव जी? अरे यहाँ के कहा तुम? तुम्हारे बिना तो पार्टी की रौनक ही नहीं। अरे मेरे पार्टी की रौनक तुम हो, तुम्हारा बेटा है। कैसे बेटा? फर्स्ट क्लास अंकल, हाउ आर यू? फाइन थैंक यू। अंकल आपकी वो डॉटर नजर नहीं आ रही है? जब तक इनकी डॉटर नहीं आती आप गर्म वाटर की तरह उबलते रहिए,
उनकी फोटो देखकर, वो रही उनकी फोटो। डाक, वेरी बैड, ये तो वही लड़की है डाक, जो उस मोटरबाइक वाले लड़के के साथ ऐसे चिपक के बैठी थी कि बीच में से हवा भी पास नहीं हो रही थी। डाक, नहीं नहीं, वो कोई और लड़की होगी, ये तो मेरी बेटी है, क्यों भागे? ये सरजी की बेटी है, लेकिन ये वही लड़की है जिसको आपने देखा। क्या कर रहा है बे? तू मेरी तरफ है कि इनकी तरफ है? मैं तो आपकी तरफ हूँ। ये कैसा मेरी तरफ है? अरे यार, तो बड़ा हंगामा है यार, ये साला कहां से आ गया? डार्क, वेरी वेरी बैड, ये तो लड़का भी वही मोटरबाइक वाला है डार्क। तो फिर आ गया? अरे सेठ जी, आपके पास 500 रुपए का छुट्टा है? 100 से 500 रुपए उतर आया। अब क्या बताऊं, पहले रिक्शा में आता था, आज टैक्सी में आया हूं, आपकी इज्जत का ख्याल रखना पड़ता है। मैं तेरे को यहां बुलाया किसने? बताइए, अपने ही ससुराल में आने, समझ रहा हूं, ससुराल में आने के लिए दामाद को पूछ के आना पड़ेगा क्या? बस थोड़ी सी तबियत मछली, आंख फड़की, छाती धड़की और घरवाला घरवाली से मिलने चला आया। कहाँ है मेरी घरवाली? अबे ये सपने देखना बंद कर, आज मेरी बेटी की मंगनी मेरे दोस्त के बेटे मैक के साथ होने जा रही है और बहुत जल्द उसकी दुल्हन बनकर अमेरिका चली जाएगी। अरे अमेरिका जाना तो बहुत दूर की बात है, आपकी बेटी धारा भी नहीं जा सकती, चिंच पोखली नहीं जा सकती, और अगर जाएगी तो आपके होने वाले रिश्तेदार के साथ ही जाएगी। रिश्तेदार? अबे तू मेरा चौकीदार भी नहीं बन सकता। हाथ मत उठाना। सुनो ससुर जी सुनो ससुर जी, अब जिद छोड़ो, सुनो ससुर जी,
दुनिया को भूल के मैं बस तेरा नाम लो के, क्या भरी महफिल में हमारी बेइज्जती करने के लिए तुमने हमें यहाँ बुलाया था? जब तुम्हारी लड़की किसी दूसरे लड़के से प्यार करती है तो तुमने हमें यहाँ किसी? नहीं नहीं यार, ये सब गलत है, झूठ है। क्या झूठ है? हमने सब अपनी आंखों से देखा है और तुम कहते हो झूठ है? कम ऑन, पता इट्स वेरी सैड, इट्स द डोर इज सो ब्यूटीफुल। शट अप, कम ऑन। अरे बिल्ली बिल्ली, बात मेरी बात तो सुन, सुन यार प्लीज। मुझे सेठ जी, एक पार्टी तो गई, अब एक ही पार्टी बची है जैनविन, और मैं तो कहता हूँ कि जल्दी से हम दोनों को आशीर्वाद दे दीजिए। आशीर्वाद तो मैं जरूर दूंगा। सेठ जी, मेरी माँ ने कहा था कि जब भी कोई बुजुर्ग तुम पर हाथ उठाए तो उसका जवाब मुस्कुरा कर देना, शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए और तुम्हारी भी इज्जत और खुददारी बरकरार रह जाए। जहां तक किरण का ताल्लुक है, उसको तो मैं यहां से लेकर जाऊंगा ही, मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिएगा, नाकामयाब हो जाएंगे। चलो किरण, आओ मेरे साथ। कहां? इस घर, इस माहौल से दूर, अपने प्यार की दुनिया में। कौन सा प्यार, कैसा प्यार? क्या मजाक कर रही हो तुम? मजाक मैं नहीं कर रही राजा, तुम एक मजाक को प्यार समझ बैठे हो। क्या मतलब? मतलब कि मैंने तुमसे कभी प्यार ही नहीं किया। तो आज तक हमारे बीच जो हो रहा था, ये नीचे जो कुछ भी हो रहा था, ये सब क्या था? एक नाटक। अपने असली प्यार को पाने के लिए मैंने ये खेल खेला। असली प्यार? मेरा असली प्यार राहुल। तो दुनिया की इस भीड़ में बेवकूफ बनाने के लिए मैं ही मिला था तुम्हें? दादी की एक जिद थी कि वो मेरी शादी अपने किसी भी दुश्मन के साथ कर देंगे, लेकिन राहुल के साथ नहीं होने देंगे। और तुम ये जानती थी कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन मैं हूँ। वो तुम्हारी शादी मेरे साथ कभी होने नहीं देंगे। मैं तुम्हारा इस घर से जलील करके निकाल दिया जाऊंगा और राहुल के लिए तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। आई एम सॉरी राजा, इसके सिवाय मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। किरण, तुम शायद मुझे जानती नहीं, मैं चाहूं तो तुम्हारे इस घटिया प्लान की धज्जियां उड़ा सकता हूं। अरे मेरे कांटे से तो जहर भी पानी नहीं मांगता। जिस आदमी ने अपना ढाबा सलामत रखने के लिए तुम्हारे डैडी के 5 स्टार के ऊपर के तो माले उड़ा दिए, वो अपना प्यार सलामत रखने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। मगर मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि अपने अभी कुछ उसूल है मेम साहब। आराम की दौलत, जबरदस्ती का प्यार और गंदा बदबूदार खाना, इन तीनों का एक ही हश्र होना चाहिए। इन्हें उठाकर कचरे के डब्बे में फेंक देना चाहिए। तुम नहीं जानती किरण, ये चाल चल के तुमने अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर ली है। जिस आदमी की तुम बात करती हो, उन्हें जाने तुम जैसे कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है। शट अप, मैं राहुल के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती। क्यों? सच्चाई सुनने में तकलीफ हो रही है? मैं उसका हर रंग रूप देख चुका हूँ और शायद तुम्हारे डैडी भी देख चुके हैं, इसीलिए तुम्हारी शादी उसके साथ करने को तैयार नहीं। क्योंकि दुनिया का कोई भी बाप जानबूझकर अपनी औलाद को मौत के मुंह में ढकेलता नहीं, और तुम्हारे डैडी वो तो तुम पर जान छिड़कते और तुम उन्हीं को धोखा दे रही हो, उनके खिलाफ साजिश कर रही हो। किरण, आज तक मैं तुम्हारे डैडी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता रहा, मगर आज मुझे उन पर बड़ी दया आ रही है। तुम्हारा इस फैसले से दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, वो शर्म के मारे मर जाएंगे और उनकी मौत की जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। मगर राजा
कैसे चले जाओगे? अपनी दुल्हन को साथ लेकर नहीं जाओगे? ये जो एक मिनट आता हूं। आओ बेटी। डैडी। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मुझे इस बात का ऐलान करते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मेरी बेटी ने अपना जीवन साथी चुन लिया है। हालांकि वो लड़का पहले मुझे पसंद नहीं था, क्योंकि मैं उसे अपने स्टेटस, अपने खानदान के बराबर का नहीं समझता था, लेकिन आज मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है और मैं अपनी बेटी की पसंद पर नाज करते हुए उसी लड़के के साथ अपनी बेटी की मंगनी का ऐलान करता हूं। कौन है वो खुशनसीब लड़का? वो लड़का है राजा। नचोड़ेगा क्या है? तुम तो कहते थे कि वो लड़की मेरी मुट्ठी में है। कहाँ है वो लड़की? कहाँ है वो सिंघानिया की करोड़ों की दौलत? उस सिंघानिया के बच्चे ने तो अपनी लड़की की शादी का ऐलान किसी और लड़के के साथ कर दिया है। तुम हमें बेवकूफ बनाते रहे। ये क्या कर रहे हो ब्रदर? अगर ये मर गया तो इस पर लगे हुए हमारे लाखों रुपए डूब जाएंगे। इसे तो जिंदा रहना चाहिए। हम एक काम करेंगे, इसके हाथ पांव तोड़वाकर सिग्नल पे इससे भीख मंगवाएंगे, हमारे पैसे भी रिकवर हो जाएंगे। आइडिया बुरा नहीं है। शराब, क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? उस सोने की चिड़िया को फंसाने के लिए हमने लाखों रुपए तुम पे लगा दिया, लेकिन तुम तो हारे में जुआरी निकले। एक जुआरी की हार या जीत का फैसला तब होता है जब वो अपने सारे पत्ते खोल देता है, लेकिन मेरा आखिरी पत्ता अभी खोलना बाकी है। तुम देख लेना कैसे मेरे प्यार में पागल किरण अपने बाप की सारी दौलत, हीरे जवाहरात लेकर भागती हुई मेरे पास आएगी। राहुल साहब ऊपर कमरे में हैं। राहुल, राहुल, किरण, इट्स सो गुड टू सी यू। आज मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ आई हूँ। सब कुछ? हाँ राहुल, आज मैं अपने प्यार के लिए मम्मी, डैडी, अपना घर, सब कुछ छोड़ आई हूँ। हेलो राहुल, और नीचे आओ। हाँ ओके। किरण तुम दो मिनट आराम करो, मैं भी। ओके ओके। देखो, गौर से देखो, ये है तुम्हारा आखिरी पत्ता जो अब खुल चुका है। अरे तुम तो कहते थे वो लड़की करोड़ों की दौलत, हीरे जवाहरात लेकर आएगी, लेकिन वो तो ये बूट और सैंडल लेकर आई है हमारे सर पे मारने के लिए। दौलत नहीं लाई तो क्या हुआ? सिंघाने की तिजोरी खोलने वाली चाबी बन के आई है। नहीं समझे? किरण के जरिए हम उसके बाप से कुछ भी मांग सकते हैं। नंगन आएगा क्या और छोड़ेगा क्या? यू आर राइट। हम तुम्हारा सिग्नल पे भीख मांगने का प्रोग्राम कैंसिल। लेकिन ये सब कुछ होगा कैसे? सिंघाने से हम सौदा करेंगे उसकी बेटी का, कीमत 10 करोड़। ब्रदर, मैंने सुना है कि खंडाला में उसका एक फार्म हाउस है और एक बहुत बड़ा बंगला भी। डोंट वरी, वो फार्म हाउस और बंगला भी हमारे नाम कर देगा। और वो 5-स्टार होटल भी, जिसपे कब से मेरी नजर है। ये सब कुछ वो हमारे नाम कर देगा। अपनी बेटी की जान बचाने के लिए सिंघाने हमें सब कुछ देने पर मजबूर हो जाएगा। पूरी कीमत मैं वसूल करूंगा किरण से प्यार का नाटक करने की, वरना उसके टुकड़े टुकड़े करके उसके बाप को भेज दूंगा।
पकड़ो इसे और ले जाओ इसे अंदर। मुझे माफ कर दीजिए डैडी, मेरी यही सजा है, यही सजा है। किसके लिए आंसू बहा रही हो, जो इस घर की इज्जत को अपने पैरों तले रौंद के चली गई, बदनामी के कालक हमारे मुंह पे पोत के चली गई, दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा हमें, उसके लिए आंसू बहा रही हो तुम? हिम्मत से काम लीजिए ससुर जी। ससुर जी, क्या तू अभी मेरा दामाद बनने की उम्मीद रखता है? उम्मीद का दिया तो जिंदगी का दिया बुझने के बाद ही बुझता है सेठ जी। किरण ने मुझसे प्यार नहीं किया तो क्या हुआ, मैंने तो उससे प्यार किया है और मैं अपने प्यार पे कोई कलंक नहीं लगने दूंगा, ना ही इस घर की इज्जत पे कोई आंच आने दूंगा। हेलो सिंघानिया। हाँ बोल रहा हूँ। मेरी बात गौर से सुनो, तुम्हारी बेटी किरण मेरे कब्जे में है। कौन बोल रहा है, कहाँ मेरी बेटी? वो जा भी है सही सलामत है। उसकी कीमत दे जाओ और उसे ले जाओ। हेलो हाँ कौन बोल रहा है? तुम कौन बोल रहे हो? मैं राजा, पहचाना? ऑटो रिक्शा, दो लड़कियाँ, दुलाई, कुछ याद है? ओ तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। बुढ़े को एक बात अच्छी तरह से समझा देना, अगर उसको उसकी बेटी वापस चाहिए जिंदा तो हमें 10 करोड़ रुपए, खंडाला में फार्म हाउस और बंगला और होटल महाराजा चाहिए। प्रॉपर्टी के कागजात 3 आदमियों के नाम में होंगे, विशंबरनाथ, पीताम्बरनाथ और राहुल सिन्हा, और ये काम आज ही हो जाना चाहिए। और हाँ एक बात और है, अगर पुलिस को खबर करने की गलती की तो हमारे लिए हथकड़ी के साथ साथ किरण की अर्थी का सामान भी साथ ले आना, समझे? हेलो हेलो, लतखोर है साला, मैं उसको एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे मेरी बेटी चाहिए। माँ जी आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा सेठ जी। देखिए माना किरण ने आपको बहुत परेशान किया है, मगर है तो आपकी बेटी, और इतिहास इस बात का गवाह है कि बेटियों को हमेशा बाप ने ज्यादा प्यार किया है। देखिए वो नादान है, जिद्दी है, लेकिन आपकी इकलौती बेटी है वो, और अगर वही नहीं रहेगी तो इस जायदाद का क्या करेंगे, काटेंगे? चलिए जल्द लड़की को लेकर। अरे मगर वो 10 करोड़ रुपए मांग रहे हैं यार। अरे उसको कौन 10 करोड़ रुपए देने वाला है, मैं तो सोच रहा हूँ कि उसके 10 करोड़ रुपए लेकर भाग के आ जाऊंगा। ऐसा कर सकता है क्या तू? क्यों आपके लेकर नहीं भाग गया था? वो बहुत टेढ़े लोग हैं भाई। तो आप क्या कम टेढ़े थे? जब आप जैसे आदमी को सुधार दिया तो वो कौन से खेत के बैगन है? अरे कोई इसको समझा यार, मिसाल तो ठीक से दिया करे। हेलो आदमी आया है, कहता है बैंक ऑफ सिंघानिया से आया हूँ। उसके हाथ में क्या है? एक बड़ा सा सूटकेस है साहब। हाँ आने दो, फॉरन आने दो। ₹100 का छुट्टा है क्या? वही रुक जाओ पीताम्बर, तलाशी लो इसकी, चलो बाद में ले लूंगा। अरे क्या सीधे खड़े रहो। क्या कर रहा है यार? सीधे खड़े रहो। कहाँ हाथ लगा? अरे क्या कर रहा है? क्या ये इतना घबरा क्यों रहे हो यार? भविष्य देखने का शीशा है, कोई बम थोड़ी है। भविष्य देखने का शीशा? हाँ भैया बिहार में बैठे बैठे पार्ट टाइम यही काम करते हैं, भविष्य देखने का थोड़ा ज्ञान है। आइए आप भी आइए। आज मौका मिला है बच्चों उस दिन का बदला चुकाने का, ऐसी धुलाई करूंगा कि याद रखेगा। इरादा हमारा भी कुछ ऐसा ही है। क्या धुलाई करने का? कोई आवाज आई क्या? अब दिल में इतनी जोर जोर से बात करोगे तो सुनाई नहीं देगा। अरे ये तुम किस मुद्दे पर बहस कर रहे हो? कमन कमन कम टू द बिजनेस, बैग खोलो कमन हरी अप। पहले किरण को मेरे सामने लाओ। सुनो ससुर जी अब जी छोड़ो मान मेरी बात, दुल्हन तो जाएगी दुल राजा के साथ। राम 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 राम। क्यों भाई साहब आपके मस्तक की रेखा बताती है कि मैं इस बैग में जितना माल लाया हूँ ना उससे दुगना माल भी आपको मिल जाए तो आपके टकले में बाल ले आएंगे। ए, मेरे को टकला बोला तो टकले को टकला, नहीं तो क्या तबला बोलूंगा? ए, मेरे भाई का मजाक उड़ाता है। अच्छा आपके छोटे भाई के बाल उड़ के तब ध्यान नहीं दिया, अब मजाक उड़ाना तो तकलीफ हो रही है।
भाई साहब आपकी मस्तक की रेखा साफ साफ बता रही है कि आपके साथ बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। धोखा? कौन करेगा धोखा? ए, वो क्या बोलता है? ये मेरा बड़ा भाई है। मैंने क्या कुछ बोला यार? मैंने बोला क्या कुछ? चाचा ए, उधर कहाँ जाते हो? पहले बैग खोलो, बैग खोलो। अरे ये तो खुल नहीं रहा। ये क्या मजाक है? ये स्टाइल है, पीछे से मारो तो आगे से खुलता है। आए? खुल गया देखा। अरे ये क्या? लाख रुपए है, 50 तुम्हारे 50 तुम्हारे। अरे हमने तो 10 करोड़ मांगे थे। तो मैं कब कह रहा हूँ कि मैं बस 1 लाख दूंगा। तुम आपकी क्या है? बैंक में। बैंक में? किसके अकाउंट में? राहुल के। मेरे अकाउंट में? लेकिन क्यों? तुमने तो कहा था। मैंने कब कहा था? कब कहा था मैंने, बताओ। अरे भाई तुमने तो कहा था कि 9,99,00,000 मेरे बैंक में मेरे अकाउंट में जमा कर डालो। मैंने कर दिया यार। झूठ बोल रही है। क्या बात कर रहा है यार तू? राहुल इज वेरी स्मार्ट। झूठ बोल रही है। मैं बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा। ठीक है मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो क्या रसीद भी झूठी है? हाँ, और एक कागजात ये भी झूठा है। देखिए ना, तब तक मैं इसका भविष्य देखता हूँ। बहुत जूते पड़ेंगे। अरे ये क्या है? ये सारी जायदाद सिर्फ राहुल सिन्हा के नाम पर है। अरे भैया इसका फोन आया था, 10 मिनट बाद दोबारा फोन आया कि सारी जायदाद मेरे नाम पे होनी चाहिए। ये झूठ बोल रहा है, ये इसकी साजिश है। मैं ठीक है, एक मिनट, आप बैंक में फोन कीजिए। एक मिनट कीजिए 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 देखते देखते नंबर नंबर क्या? 3074332। हाँ इसे बोला, इसे बोल 3074332। और स्पीकर ऑन कीजिए, हमको भी सुनना सामने वाली पार्टी क्या बोल रही है। हेलो, नेशनल बैंक? यस नेशनल बैंक, मैं मैनेजर बांके लाल बोल रहा हूँ। देखिए मुझे आपसे ये पूछना है कि आपके बैंक में अकाउंट नंबर 1074 किसके नाम का है? हाँ राहुल सिन्हा के नाम पर है। अरे साहब जी कमाल कर दिया उन्होंने, आज तो हमारे बैंक का उन्होंने कल्याण कर दिया है। अरे भाई उन्होंने अपने अकाउंट में 9,99,00,000 रुपए जमा करा दिया है। साहब मैं क्या बताऊँ, मैं खुशी से पागल हो गया हूँ और खंबे पे चढ़ गया हूँ। और लोन देने के लिए छोटी मोटी कंपनियां ढूंढ रहा हूँ। अगर आपको लोन चाहिए तो प्लीज यू आर मोस्ट वेलकम। अरे नहीं 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 नहीं, देखिए उन रुपयों में से आप 1 रुपया भी किसी को मत दीजिएगा। तू तेरे बाप कमाल है, कबाड़ी की औलाद, क्रिकेट की औलाद, थप्पड़ गंजू, हट फोन रख। हेलो हराम सादे धोखा हो गया। मैंने इसको समझा दे साले को यार, कि अपने बॉस लोग के साथ बंद करने तो फंस जाएगा। समझा दे कि नहीं तेरे को? तो बोलने लगा कि एक तो लड़की पटाई मैंने, चक्कर चलाया मैंने, और मलाई तो कुत्ते खा जाए। अरे कुत्ता कहा? हाँ फिर समझाए तो क्या बोलता है कि 50-50 की दो गड्डी हड्डी बनाकर दो कुत्तों के मुंह में डालूंगा, जिंदगी भर तुम्हें लाते फिरेंगे। अरे होता है यार, जिंदगी में बोल देता है आदमी उल्टा सुलटा, बाद में पछताता है। फिर हाँ फिर डायलॉग क्या मारा तुझने? हाँ क्या कह रहे बोलो तो, क्या है वो नंगा? क्या नंगा नहाएगा क्या? जोड़ेगा क्या? मैं आ गया। ओके मैं भी बड़ा चिपकू आशिक हूँ, रो मत। अरे भाई ये इसकी साजिश, बहुत गलत बनता है। जरा हमें भी बैटिंग करने दो यार, ताकि हम भी बताएं कि बॉल स्टेडियम के बाहर कैसे जाता है। तेरी जात। बॉक्सर बनता है, बॉक्सर बनता है। नंगा नहाएगा क्या और नचोड़ेगा क्या? सारा लड़कियों को मारता है। और नमक हराम साला, साला। कमीना हराम दादा। सिंघानिया को कहो जायदाद के पेपर्स दोबारा बनाए दोनों भाइयों के नाम पर। हाँ वो सिंघानिया जी दारू वाला वकील के पास बैठे हुए, उनके मैनेजर से कहिए जायदाद के पेपर लेकर आए। उसका मोबाइल नंबर है 9821051365 5236 5236।
आई सर जी, तब तक आपका भविष्य देखता हूँ। बैठ बैठे क्या करेंगे, बोर हो जाएंगे। इधर आइए, जरा माथा नीचे कीजिए। ये क्या है? क्या आपके घर में कोई आपका दुश्मन है क्या? नहीं, आप तो पल दो पल के मेहमान है। क्या बात करते हो, कौन मारेगा मुझे? ये नहीं, घर वाला कोई। घर में कोई औरत दुश्मन है क्या, जहर वर खिला के? नहीं नहीं, वो तो पहले मुझे छोड़ के भाग गई। भाई साहब, कौन मारेगा आपको? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? ये कहते हैं कि मैं पल दो पल का मेहमान हूँ, बहुत जल्द मरने वाला हूँ। आप मरने वाले हैं सच? ये आपका भाई है क्या? सगा भाई है। तो आपके मरने की बात पे इतना हंस क्यों रहा है? अरे क्या बकवास कर रहा है, मैं कहां हंस रहा हूँ? अरे हंसने की बात नहीं है भैया, ये वाकई पल दो पल के मेहमान है। मौत इनके सर पे मंडरा रही है, यमराज किसी भी पल यहाँ पर पहुंच सकते हैं। आ गया आ गया। यमराज आ गया। यमराज ही यमदूत, यानी कि यमदूत सिंघाने का मैनेजर। अबे टकले मुर्गी जो। याद है तेरे को, तू तेली गली में रहता था और मैं मुर्गी मोहल्ले में रहता था। तू मेरे आगे मुर्गी चुराता था, लाल मुर्गी चुराई। याद है तेरे को? बचपन की बात है, भूल जाऊं मैं? कौन सा बचपन, मार मार के मेरा टकला सुझा दिया। कौन सी तेली गली, कौन सा मुर्गी मोहल्ला, कौन सा लाल मुर्गा? ना मैं किसी तेली गली में गया हूँ, ना मैंने कोई मुर्गा चुराया है। तू तेली गली नहीं जानता, तू मुर्गी मोहल्ले में नहीं है, मेरा मुर्गा नहीं चुराया। सॉरी यार, वेरी सॉरी यार, नो प्रॉब्लम। होता है यार, इधर होने की क्या बात है, कम ऑन। ओके नो, टेक इट इजी यार, टेक इट इजी। क्या 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 करते हो यार, पहले आदमी से पूछा करो वो कौन है। अगर देखे ऐसे फटफट 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 मारने लगते हो, उसको लगता नहीं होगा क्या? तो माफी मांगो। आई एम वेरी सॉरी, अगली बार टकला बन के मैं आऊंगा, जितना मारना है मार लेना, हिसाब बराबर हो जाएगा। अरे हिसाब तो बाद में बराबर होता रहेगा, पहले वो जायदाद के पेपर निकालो। ओ पेपर, ये रहे पेपर, और ये लंदन की टिकट। लंदन की टिकट? ये लंदन कौन जा रहा है? आप जा रहे हैं, पीताम्बर आप ही है ना? नहीं नहीं, पीताम्बर ये है। मैं लंदन क्यों जा रहा है? मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। लंदन की जा रहा है? पहले ये बताओ, ये पेपर्स किसके नाम पे? पीताम्बर के नाम पे। पीताम्बर के नाम पे? हाँ मेरे नाम पे। और क्या, आपको अपनी बात याद है? आप पीताम्बर है, पलम्बर है, आपने नहीं कहा? ये मेरे नाम पे कर दो, मेरे भाइयों को भरोसा नहीं, पल दो पल के मेहमान है, बोल रहे आपने। मैंने आपसे कहा था ना कि आपके माथे पे लिखा हुआ है पल दो पल के मेहमान है, आपका अपना भाई आपको लुटाने का तरीका। तेरे चेहरे की चमक बता रही है, तू बहुत खुश हो रहा है। नहीं भाई, मैं कहाँ खुश हो रहा हूँ। बेचारा रो रहा है, ये ऐसे नहीं कर सकता। अरे आप इसके रोने पे मत जाइए, मगरमच्छ क्या हो सकते, बाकी उसके कपड़े की तलाश ले। बॉस आप इधर आइए, आपको मालूम ही है आजकल भाई भाई को टपका रहा है, पैसे के चक्कर में बहुत मर्डर हो रहे हैं, और सारी प्लानिंग मेरे ढाबे पे बैठ के तो होती है। भरोसा नहीं, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? देखा इसने आपके हाथ में फेंका जानबूझ के, ये फटने वाला है, ये बॉम्ब है। मेरी गोद में आ जाओ, आ जाओ। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा अपना सगा भाई मुझसे इतनी बड़ी गद्दारी करेगा। बहुत बुरी बात है यार, तुम मेरी जान बचाओगे? ये तो कुछ भी नहीं है बॉस, आप आगे आगे देखिए मैं आपके साथ क्या क्या करता हूँ। शाबाश शाबाश, तुम बड़े काम के आदमी हो। एक काम और करो, क्या? उस सिंघानिया के बच्चे को बोलो कि आपके सारी जायदाद के पेपर्स सिर्फ मेरे नाम पर लिखे हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है विशंबर, मैं खुद आ गया हूँ। डैडी, डैडी, मुझे माफ कर दीजिए, डैडी मुझे माफ कर दीजिए। विशंबर, अपनी बेटी की खातिर मैंने अपना सब कुछ तेरे नाम कर दिया है। ये क्या कर रहे हैं डैडी? दौलत का क्या है बेटी, वो तो आती जाती रहती है, मगर बेटी तो घर की इज्जत है, और इज्जत एक बार चली जाए तो वो लौट कर वापस नहीं आया करती। हाँ चल बेटी। ये मैंने दस्तखत कर दिए हैं, आप भी कर दीजिए। बॉस, साइन करने से पहले देख तो लेते कि इस कागज में क्या लिखा हुआ है। पढ़ने का काम मैं करता हूं, मैं विशंबर वल सितंबर अपने पूरे होश हवास में चार आदमियों के सामने एक टांग पे खड़ा होकर अपनी सारी प्रॉपर्टी, तमाम रुपया, गाड़ी, पैसा, बंगला, सब कुछ ढाबे वाले राजा के नाम करता।
देखा ब्रदर, राहुल ठीक है? देखा मैं अरे ठहरो यार, आगे तो सुनो, जबान के पेड़ में गिर गई है। हाँ तो सुनो, मैंने सेठ सिंघानिया की लड़की को किडनैप किया और 10 करोड़ रुपए मांगे। मैंने नहीं, सुनो, रुपया न देने पर उसकी बेटी किरण को जान से मार डालने की धमकी दी। लेकिन मैं तो बेहोश था, और मेरे तमाम साथियों ने मेरा हर बुरे काम में साथ दिया है, इसलिए आज मैं अपना सब कुछ जो मेरे पास बचा है, यानी सोने की अंगूठी, गले की चेन, हाथ की घड़ी, यहाँ तक कि मेरे बदन के कपड़े भी, सब अपने आदमियों के हवाले करता हूँ। और मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आकर मुझसे जबरदस्ती सब कुछ छीन ले। अरे देख क्या रहे हो यार, तुम्हारा बॉस है, गुजारिश कर रहा है यार, लूट लो यार इसको। चलो भाई तू भी, अबे चूक मत बे, लूट ले, अबे पाप पर भरा पूजा है, लूट लो, खा लो। अरे क्या कर, अरे नमो, मैं तुम सबको देख लूंगा, मैं तुझे वो डायलॉग क्या मारते थे तुम, नंगा क्या, नंगा नहाएगा क्या, छोड़ेगा क्या। चल पीछे चल, दिसंबर और पीताम्बर को गिरफ्तार कर लो। आई इंस्पेक्टर साहब, बस ये 10 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरे नाम पे करके कहाँ जा रहा है बाबू, लगा नहाएगा क्या, मैं छोड़ेगा क्या। मैं तुम सबको देख लूंगा, देख लूंगा। दादी, आज के बाद अब जो भी कहेंगे मैं वही करूंगी। प्रॉमिस? ये लड़का पसंद है? डैडी तो एक नाटक देख, मेरा साथ देना। मैं दिल की बातें सुन लेता हूँ, बाप बेटी कितना चिक चिक की बातें कर रहे हैं। चल बेटी, यहाँ अपना कोई नहीं है। अरे ऐसे कैसे कोई नहीं है, मैं हूँ ना आपका दामाद, मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? कौन दामाद, किसका दामाद? अरे मैं दामाद, आपके सामने खड़ा है। तो एक मामूली ढाबे वाला, मैं 5-स्टार होटल का मालिक, कहाँ राजा भोज, कहाँ नंगू तेली। नंगू तेली नहीं, गंगू तेली होता है, मिसाल तो ठीक से दिया कीजिए। तेली है ना? हाँ वो तो काफी है। अरे चल बेटी। अरे ऐसा कैसे चलेगा? अरे, 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 अरे।